तरीके से फॉलो करना है किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिर्फ डिजिटल साइट में कैलकुलेटर अलाउ है अदरवाइज लम्स हो गई आपके पास आईबीए हो गई बी एस बी एल हो गई या सी बैलएस हो गई कहीं भी कैलकुलेटर भी हमारे पास अलाउ नहीं होता सही है ना तो आपके मिनट्स और उसमें 45 को अटेम्प्ट करना है सो so, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले पास पेपर के क्वेश्चन को सोल्व करना सो so, भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनर कह रहे की वैल्यू है देन डिट इज दी वाई इन टर्म

अब अगर मैं गौर से देखूं तो अभी जो मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है वो किसके बराबर है ए डिवाइडेड बाय बी के तो भाई अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं कि देखो बी यहां पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा दूसरी दूसरी तरफ तरफ इक्वल टू के बेटा जाके मल्टीप्लाई तो बेसिकली मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ एक्स इंटू बी के बराबर यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इंटू बी के बराबर तो अब देखो जो वाई की ओरिजिनल इक्वेशन है यहां पे जहां जहां ए आ रहा है उस ए की वैल्यू को मैं प्लॉट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा वाई का वाई एज इट इज ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स भी ऊपर भी नीचे क्या हो जाएगा ए की जगह पे

के अंदर अपनी x की या y की वैल्यू को प्लॉट करूंगा और चेक करूंगा क्या है कौन सी ऑप्शन किस पर्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है जो भी ऑप्शन मेरा इस x या y की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा होगा इसका मतलब वो करेक्ट आंसर होगा फॉर एग्जांपल बात जरा समझिएगा मुझे निकालना क्या है मुझे एग्जामिनर कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x निकालो इसका सिंपल सा मतलब है कि चारों जो ऑप्शंस गिवन है इसके अंदर y इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यूज ही गिवन होंगी यानी कि y की वैल्यू मुझे निकालनी है x की फॉर्म के अंदर तो चारों के चारों y की वैल्यूज गिवन है तो बेसिकली बेटा मैं चारों ऑप्शंस के अंदर एक्स की वैल्यू को प्लॉट करूंगा और जो भी ऑप्शन मुझे एक करेक्ट वाई की वैल्यू आंसर के तौर पर दे देगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा तो आइए चेक करते हैं फॉर तो भाई ऑप्शन नंबर बी कू एक्स तो मुझे X की वैल्यू 4 है। तो इसको अगर तो देखो अगर मैं सिंपल तरीके से यहां पे एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को प्लॉट कर दू क्या

मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या नेगेटिव का थ्री डिवाइड बाई टू अगर मैं X के अंदर, X के को करूं, तो बेटा क्या बन जाएगी एक्स की वैल्यू मेरे तो रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी नीचे वाली टर्म ऊपर पलट के लिखी जाती है तो ऊपर जाके टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स बन गया और यही वाई की वैल्यू आपको इसका शॉर्टकट मेथड है इस तरीके से विदिन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा

नेगेटिव के टू की अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर करेंगे सबसे पहले तो आपको बेसिक लॉजिक मालूम होनी चाहिए कि बेटा देखो दुनिया में कभी भी एक सिंपल रूट होता है ना उसका मतलब क्या होता है पावर में हाफ यानी कि रूट कभी रिमूव होता है तो पावर में हाफ आ जाता है सिमिलरली कहीं पे अगर को हटाऊंगा तो, तो बेसिकली मतलब तो मेरे पास पावर में क्या आ जाएगा जब मैं इस रूट को रिमूव करता हूं तो मेरे पास पावर में क्या जाएगा वन डिवाइडेड बाई फाइव जब मैं रिमूव करूंगा तो पावर में क्या आ जाएगा वन बाय फाइव और देखो यहाँ पे अंदर क्या मौजूद है अंदर मौजूद है थर्टी टू डिड बाई टू फोर्टी थ्री और होल पावर में इसकी क्या है नेगेटिव का टू एज इट इज हमें मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई यानी कि जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये वाली पावर ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो भाई इस पावर के ऊपर क्या है वन तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये हो जाएगा थर्टी डिवाइडेड बाय टू और होल पावर में क्या आ जाएगा नेगेटिव का टू डिवाइडेड बाय फाइव इट इज अ नॉर्मल थिंग अब देखो हमने क्या करना है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेसिक टू की और थ्री की पावर्स के ऊपर थर्टी क्या होता है टू की पावर फाइव टू uh, क्या होता है थ्री की पावर फाइव

भी देता हूं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई x की पावर में ऊपर b आ रहा है और नीचे डिवीजन के अंदर x की पावर के अंदर c आ रहा है और होल पावर के अंदर इनकी क्या आ रहा है इनकी होल पावर के अंदर आ रहा है b प्लस का c माइनस का a आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास है एक्स की पावर के अंदर सी और नीचे डिवीजन के अंदर के अंदर ए होल पावर के अंदर होल पावर के अंदर सी प्लस का ए माइनस का फिर आगे मल्टीप्लीकेशन का पावर में एक्स की पावर के अंदर बी आ रहा है, है पावर, आ पावर के अंदर क्या आ रहा है होल पावर के अंदर आ रहा है ए प्लस का भी माइनस का सी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है इट इज इंटरेस्टिंग एंड बेटा इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो कॉन्सेप्ट आपने अपने और फोर्थ ग्रेड की किताबों में पढ़ा हुआ है थर्ड या फोर्थ अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कैसे कि देखो मैं यहाँ पे दो बातें करूंगा पहले नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है समझा देता हूँ कि देखो मुझे मालूम है दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में डिवाइड होती है कोई भी दो टर्म्स अगर आपस में दुनिया में डिवाइड हो रही होती है तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो या ऊपर वाली टर्म को ऊपर से नीचे भेज सकते हो मगर खाली एक यहाँ पे चीज होती है कि जब कभी आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर या ऊपर वाली टर्म को ऊपर से नीचे लेकर आओगे तो उनकी पावर्स के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा

पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा सेम काम करना है

लिखूंगा अगेन देखो मेरे पास जो बाहर पावर आ रही है पावर ऊपर वाले टर्म पे भी मल्टीप्लाई हो रही है नीचे वाले टर्म पे भी मल्टीप्लाई होगी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी तो क्या बन जाएगा नीचे नीचे भी जा। भी सी, सी बी से मल्टीप्लाई होगा बी सी बन जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा c2 हो गया फिर नेगेटिव का a से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा नेगेटिव का ac फिर आगे क्या होगा आगे भी ऐसी मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस का ac बन जाएगा फिर प्लस का a2 आ जाएगा फिर मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का ab बन जाएगा सिमिलरली प्लस के साइन के बाद क्या होगा ये हो जाएगा ba फिर प्लस का b2 फिर माइनस का बी सी माइनस का

भी कट गया तो बेसिकली क्या क्या बच गया ऊपर मेरे पास बच गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर नीचे भी देखो क्या बच रहा है नीचे भी मेरे पास बच रहा है एक्स की पावर के अंदर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है आपस में कैंसिल आउट होगी तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वन के बराबर आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वन के बराबर आ जाएंगे ऊपर भी यही तीन टर्म्स बच रही है नीचे भी यही टर्म्स बच रही है तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वन आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को क्या कर लिया जाएगा सोल्व देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है देखने में मुश्किल लग रहा है हालांकि हमने बेसिक वे में सोल्व करना है बेसिक वे क्या है देखो सिंपल तरीके से मैंने ऊपर वाली वैल्यूज के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस तरीके से इस वैल्यू को पावर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस वैल्यू को भी पावर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा चूंकि तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और तमाम टर्म्स की बेसिस सेम

और ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है इनफैक्ट 2022 के राउंड टू के अंदर भी आया है बहुत सारी दफा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2019 के बीबी के में भी आया था एमबी में भी आया था 2021 में भी आ चुका है उससे पहले भी कई दफा ये आईबी के पेपर्स में आया हुआ है इस क्वेश्चन में एग्जामर देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर कहता है नाइन की पावर में एन है, प्लस आगे कहता है नाइन की पावर में फिर एन है फिर कहता है प्लस के बाद नाइन की पावर में एन है इक्वल टू के बाद आपसे कहता है थ्री की पावर के अंदर दो हजार उन्नीस आ रहा है यहां पे कोई भी इस तरह का जो है ना आपको नंबर गिवन हो सकता है अब देखो करेंगे कैसे सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं अभी अगर आप बेसिक वे में, में देखो ना क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल के है नाइन की पावर में एन नाइन की पावर में एन नाइन की पावर में एन और इक्वल टू के इस तरफ थ्री की पावर में दो देखो मुझे मालूम है नाइन क्या होता है नाइन होता है थ्री का स्क्वायर तो भाई यहाँ पे मैं नाइन की जगह पे क्या ले सकता हूँ थ्री का स्क्वायर और बाहर जो पावर है एन वो एडिटिस की एडिटिस रहेगी सही है ना

काम करेंगे मैं सिंपल तरीके से यहाँ से थ्री को कॉमन ले लेता हूँ थ्री को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो और से देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा वन वन की पावर टू एन ऐसा ही है फिर वन की पावर टू एन

की पावर टू एन इट इज एक्सिस्ट कर रहा है सही है ना अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई वन की पावर टू एन वन की पावर टू एन वन की पावर टू एन का मतलब क्या है थ्री की पावर टू एन बन गया नॉर्मल सी बात है यानी कि थ्री का थ्री एज इट इज ये क्या बन गया ये बन गया थ्री की पावर के अंदर टू एन का टू इक्वल टू के बाद क्या है इक्वल टू के बाद है थ्री इंटू का उन्नीस एज इट इज अब देखो भाई मुझे पता है दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है तो भाई वेन एवर टू टर्मीप्लाई पावर तो भाई दो मल्टीप्लाई थ्री के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर, तो पावर, तो पावर एड हो गई टू के बाद हमारे पास एग्जिस कर रहे हैं थ्री की पावर में दो का दो है ना भाई इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास क्या बेटा इक्वल टू के पास मौजूद है थ्री की पावर में दो का दो अब हमें ये बात मालूम है कि कभी भी इक्वल टू के

12 बराबर होते हैं हमारे पास 4 मल्टीप्लाई भाई 3 के है, है ना भैया 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूं भाई 12 किसके बराबर होता है 4 3 जो 12 होता है हमने ब्रेक कर दिया आगे क्या है प्लस का साइन और फिर अंडर रूट है आगे क्या है प्लस का साइन और फिर अंडर रूट अब देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है रूट के अंदर 128 अब देखो 128 को कैसे फर्दर में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ एक बड़ा नंबर आ रहा है तो छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे देखो फैक्टर्स बनाने के दो तरीके हैं तो आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व कर लो जैसे बहुत सारे जो है ना मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई करेंगे मसला होता है 128 को करने से फैक्टर्स बनाने का तरीका आसान टू सिक्स ट्वेल्व टू फोर एट सिक्स फोर आ गया अब मुझे मालूम है सिक्सटी फोर क्या होता है एट का स्क्वायर होता है डायरेक्टली सिक्स फोर ही ले देता हूँ यहाँ पे तो यानी कि वन ट्वेंटी एट किसके बराबर होता है के बराबर होता है अब देखो अभी आप डायरेक्टली रूट से बाहर कोई वैल्यू नहीं भेज सकते बीच में प्लस का साइन है तो मैं क्या करूंगा पहले सिक्सटोर को

ब्रैकेट के अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर बचा थ्री प्लस का टू रूट टू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा थ्री प्लस का टू रूट टू इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था फाइनल फाइनल तो अब देखो यहाँ पे कहीं भी, भी आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन इज दिस करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मेरा बेटा इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसका फाइनल आंसर क्या होगा टू अंडर रूट के अंदर थ्री प्लस का टू रूट टू तो बेटा देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है नन ऑफ दिस और कोई भी आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है

अच्छा तो बेटा अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है और आपसे कह रहा है कि भाई n की कितनी वैल्यूज हैं ऑप्शंस के अंदर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिसफाई करेंगी सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी की एक रेंज निकाल सकते हैं कि भाई क्या रेंज होगी भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लाइन को ड्रा करूं आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट से मेरे

इस इक्वालिटी के अंदर एन की कितनी वैल्यूज आपको सपोर्ट करेंगी एन की कितनी वैल्यूज यहां पे सेटिस्फाई करेंगी, इस पर्टिकुलर इनक्वालिटी को कैसे निकालेंगे

यानी कि 87 प्लस 5 कितना बनता है 87 प्लस के 5 का मतलब ये है कि 92 टोटल रेंज है इस इनइक्वालिटी की क्योंकि देखो आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू गिवन है यानी कि पॉजिटिव के अंदर और एक नेगेटिव के अंदर बात जरा समझो बात क्या कर रहे हैं कि देखो अगर आप डायरेक्टली हम सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल है हमें निकालनी है इंटीजर के अंदर n की इंटीजर के अंदर वो वैल्यू क्या होगी कि n की वो कितनी वैल्यूज होंगी इंटीजर के अंदर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है तो भाई सबसे पहले मैंने नंबर लाइन के ऊपर रेंज डिटरमाइन कर ली रेंज

है तो 3n मुझे n की वैल्यू चाहिए ना तो 3 यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो रहा है हमें के डिवाइड हो जाएगा तो 92 डिवाइड बाय 3 करने के ऊपर मेरा आंसर क्या आ गया 30.6 दैट इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 31 क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन भी हो सकता तो हम राउंड अप करेंगे हमेशा तो राउंड अप करने पे क्या बन गया 31 बन गया तो 31 इज पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टर्म्स जो कि इसविटी को हमेशा करेंगे तो उनका आंसर सही आएगा क्लियर है भैया अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे मार्क कर लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इक्वलिटी होगी आपके पास बहुत आते हैं अब देखो मुझसे थ्री लेसर इलेवन एन विच ऑफ

ेशन दोनों तरफ करवा दीजिए नेगेटिव साइन से या फिर एक अगर आप डिवीजन करवा दीजिए नेगेटिव साइन से उस सूरत के अंदर इन अपने आप को रुख बदलती है अदरवाइज इन उधर की उधर ही रहती है अब देखो मैं सिंपल प्लस के थ्री को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा एज इट इज वहां पर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फोर मॉडल टू इलेवन माइनस का थ्री तो ग्यारह में से तीन निकाले तो आठ बच जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया फोर मॉडल एक्स लेसर देन आठ ग्यारह में से तीन गया आठ तो यहाँ पे देखो फोर वन है है ना भाई, फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल पॉजिटिव का फोर वहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया आठ में से चार गया तो क्या बचेगा भैया फोर टू जो एट होता है तो सिंपल तरीके से देखो आपके पास मॉडल की क्या वैल्यू आ रही होगी मॉडल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेसर देन इक्वल टू टू अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि सर अब ये स्टेटमेंट कौन सी सही है ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है तो भाई इसके अंदर दो लॉजिक्स हैं पहली लॉजिक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल होता क्या है द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि भाई मॉडल किसे

मतलब क्या है कि बेटा x की एक वैल्यू जो है ये पॉजिटिव का थ्री और एक वैल्यू क्या नेगेटिव का थ्री है

दाई टेम्परेचर इन द्रीन हाउस तो भाई ग्रीन हाउस वो जगह होती है जहां पे हम आर्टिफिशियली अपने प्लांट्स ग्रोप अप करते हैं ने मुझे यहाँ पे कंडीशन दी है कंडीशन बड़े मजे की इससे मैं दो कंडीशन को ड्राइव कर सकता हूँ। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो टेपरेचरचर है कंट्रोल है सो दैट इट डज नॉट वेरी फ्रॉम सेवेंटी नाइन डिग्री बाय मोर देन सेवन इसका मायने क्या समझो जुम्मे को समझो इसमें एक्जामिन कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे जो पर्टिकुलर तुम्हारा जो टेम्परेचर है ना उसकी दो कंडीशन हो सकती है क्योंकि भाई वो सेवेंटी नाइन से यानी कि साथ ऊपर भी आ सकता है साथ नीचे भी आ सकता है मगर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या कह रहा है एफ इज कंट्रोल सर्जरी डज नॉट वेरी फ्रॉम 79 बाय मोर देन 7 यानी कि 79 से सात गुना आगे पीछे हो सकता है यानी कि इससे आगे पीछे नहीं होगा तो एग्जामिनर की जुमले को अगर आप समझो ना देखो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है कि उसको आप दो से तीन दफा तोड़ तोड़ के पढ़ो क्योंकि देखो जब तक आप तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ोगे तो यू कैन नॉट पिक दी क्रूशल पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन पार्ट ही ग्रीन वाला पार्ट है एग्जामिनर कहते है कि भाई तुम्हारा जो फेर नाइट टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है इस तरीके से कंट्रोल हो रहा है कि सेवेंटी डिग्री और सेवन डिग्री पे यानी कि सेवेंटी डिग्री है तो साथ ऊपर जाओगे साथ नीचे जाओगे तो मैं अपनी कंडीशन क्या बना सकता हूं कि भाई मेरा जो एफ है यानी कि एफ जो मेरा टेम्परेचर है भैया ये जो है ना लेसर देन इक्वल टू या तो मेरे पास दो कंडीशन हो सकती हैं या तो मेरे पास ये होगा कि भैया 79 डिग्री प्लस का सेवन सही है ना या फिर मेरे पास क्या होगा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 79 नाइन माइनस सेवन सर ये दो कंडीशन आपने कैसे बनाई है यानी कि देखो बेटा ये स्टेटमेंट फॉर्म कैसे हो रही है जरा बात को समझिएगा बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेटा देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है कि तुम्हारा जो टेपरेचर एफ है वो कंट्रोल किया जा रहा है सच डेट इट नॉट वेरी फ्रॉम 79 डिग्री बाय मोर देन सेवन यानी कि देखो आपसे एग्जामिनर ने यहाँ पे दबे अल्फाजों में दो बातें करी है, कि भाई तुम्हारा जो टेम्परेचर है ना सेवेंटी डिग्री से तो ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है ये बात तो बहुत क्लियर सी भाई उसने साफ दिया कि इससे ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए है ना आगे आप देखो इन कैसे लेकर आ रहे हैं भाई इन का मतलब क्या पहली वाली कंडीशन को अगर आप पढ़ो ना इसका मतलब क्या तुम्हारा मैक्सिमम टेपरेचर कितना आ सकता है वो बता रहा है भाई कैसे कि भाई फेरन की वैल्यू क्या हो सकता है कि भाई मैक्सिमम के ऊपर क्या होगी मैक्सिमम के ऊपर यानी कि भैया मेरा जो टेम्परेचर होगा 79 प्लस 7 से यानी कि छोटा होगा या बराबर होगा या वाइज वर्सा स्टेज क्या होगी कि भाई मेरा मिनिमम टेम्परेचर कितना रह सकता है कि भाई टेंपरेचर मेरा मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 79 7 हो रहा होगा

ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंटी नाइन माइनस का सेवन तो प्लस के सेवेंटी नाइन को दूसरा भेज दूंगा वहां जाके क्या बन जाएगा ये हो जाएगा एफ F... का 79 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव का 7 अब अगर आप गौर से देखो तो भाई हमारे पास ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं जिनकी दोनों तरफ क्या आ रहा है का 79 एक तरफ क्या है लेसर देन इक्वल टू एक तरफ है ग्रेटर देन इक्वल टू तो अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो भाई क्योंकि जो कॉमन वैल्यू होती है ना उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है कॉमन वैल्यू ये आ रही है तो एफ माइनस का सेवनटी देखो नेगेटिव सेवन से बड़ा है ग्रेटर देन देखो जहां इसका मुंह खुला होता है ना उसको बड़ी वाली साइड होती है ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे नेगेटिव सेवन से तो मैं क्या

कैसे काम किया उसने कंप्लीट आपको नतीजा नहीं बताया आपसे एग्जामिनर खेलना चाह रहे कैसे खेलना चाह रहे एग्जामिनर कहता है कि भाई सेकंड डे के ऊपर अली ने रिमाइंडर किया है पहले दिन का काम वन बाई थ्री बेटा देखो जुमले में जो काम किया है ना वो जो रिमेनिंग वर्क था उसका वन बाई थ्री किया है, उसने के। किसका किया है, जो था। पहले दिन का जितना रिमेनिंग वर्क था ना उसका उसने वन बाई थ्री किया है यानी कि जितना टोटल काम भी रह गया था जो किसके बराबर है जो हमने निकाल चुके हैं फाइव बाई एट ऑफ द्स के बराबर है सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा ये आ जाएगा ट्वेंटी तो यानी

आ आ जाएगा ऊपर 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 क्या हो गया गया है 15, 15 में से निकालोगे यानी कि ये वो आप रिमेनिंग काम है, के एंड के जो ने नहीं करा ये कैसे निकाला किसी को समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं ताकि एक एक बच्चे को मेरी बात समझ में आ जाए कि देखो अब अगर मुझे रिमेनिंग निकालना है तो रिमेनिंग निकालने के लिए हम टोटल वर्क में से माइनस नहीं करेंगे टोटल वर्क तो एक्स था हम

ऑफ दी सेकेंड डे तो भाई देखो मेरे पास सेकंड डे कितना काम रहता है टेन Ten...

असल आंसर क्या आ गया 5 12 के बराबर आ गया। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड क्यों करवाया? क्या कह रहा है? हमेशा बात को पकड़ा करो एग्जामिनर कहता है फ्रैक्शन की फॉर्म में रिमेनिंग है एट दी एंड ऑफ सेकंड डे तो भाई इस काम के लिए देखो फ्रैक्शन के मायने क्या होते हैं ऊपर नीचे वैल्यूज को एग्जिस्ट करना तो मैंने ऊपर क्या रखूंगा जो मेरी पर्टिकुलर की रिमेनिंग क्वांटिटी है और नीचे डिवीजन में उसको डिवाइड करवा दूंगा अपने टोटल काम से ऊपर

ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इफ यू आर अप्लाइंग इन आई बी ए न तो आईबीए का जो पैटर्न होता है जो मैथ्स का सेक्शन होता है बेटा ये तमाम यूनिवर्सिटीज के मैथ्स से ज्यादा हार्ड होता है आईबी की अगर आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट की तैयारी कर ली तो आप सेट का टेस्ट भी कर सकते हो लम्स का का भी तो वैसे ही हो जाएगा आप अगर IBA के कोई चार पेपर भी सॉल्व कर लो दो पेपर भी सॉल्व कर लो, लो ना आप सीबीएम और जैबिस में तो टॉप आ जाओगे आप एल एस सी में टॉप करके आ जाओगे आपकी एस बल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो याद रखिएगा आईबी का मैथ्स का सेक्शन सबसे ज्यादा टफ होता है तो भाई इसके जितने क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मली डिजिटल सेट किताबों से उठाए जाते हैं बेरेंस की कॉलेज पांडा कि आपके पास ब्लैक पैंथर की एंड सो ऑन देर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल अब देखो इस किताब में एग्जामिनर क्या कह रहा nice है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट अ वेरी लॉजिकल वन इफ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ए बाय 300 परसेंट इज बी देन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि देखो अगर तुम ए को इंक्रीज कर रहे हो ना 300% के ऊपर वो बी के बराबर है अब जरा क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में क्लियर करता हूं यानी कि देखो ए को इंक्रीज करना 300 परसेंट के हिसाब से बी के बराबर होता है ये कॉन्सेप्ट कह रहा है एग्जामिनर कि भाई अगर तुम ए को इंक्रीज करोगे 300 परसेंट के हिसाब से तो वो बी के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि एक क्वांटिटी है अगर मैं ए को 300 परसेंटेज पे इंक्रीज करूं मगर 300 परसेंट किसका जाहिर सी बात है ना

पड़ता ना किसके हिसाब से इंक्रीज कर रहे हो भाई किसका रिमेनिंग है किसका क्या है किसका प्रोडक्ट है तो भाई थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ वॉट

एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट गाइस जो मैंने अपने इतने बड़े टीचिंग कैरियर में देखते आया हूँ आठ से दस साल के दरमियान के अंदर कि भाई इंटरमीडिएट का बच्चा वट प्रॉब्लम से क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज होता है और ए लेवल्स का बच्चा इतना कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसने ओ लेवल साइड के ऊपर ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी होती है काफी हद तक मगर देखो एक स्ट्रेटेजी होती है वट प्रॉब्लम सोल्व करने की हमेशा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो एग्जाम देखो क्या कह रहा है इन अ कंपनी टेन ऑफ द मेल स्टाफ आर सेम इन नंबर एज वन बाय ऑफ द फीमेल स्टाफ यानी कि एग्जामिनर ने आपको कंडीशन दे दी यहां पे देखो पहली कंडीशन मेरे पास क्या बनती है कि भाई जो

टू दी पर्टिकुलर फीमेल स्टाफ हमें रेशो निकालने मेल स्टाफ का टूवर्ड्स दी फीमेल स्टाफ अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे देखो बहुत सिंपल है मुझे मालूम है डिवीजन के, के अंदर हंड्रेड आ जाता है तो एक काम तो हमने ये कर दिया परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम हमेशा डिवीजन में हंड्रेड लगा लेते हैं तो मेल स्टाफ इज इक्वल टू वन बाय फोर्थ ऑफ एज इट इज का इज अब देखो आप अगर सिंप्लीफाई करो तो इस जीरो से 0 गया. तो मेरे पास क्या आ गया वन बाई टेन और वन बाय टेन बाय द वेट वन होता है बट चलो वन बाई टेन या रहने दो वन बाई टेन का वन बाय टेन यानी कि वन बाय टेन ऑफ दी मेल स्टाफ इज इक्वल टू वन बाय फोर्थ ऑफ दी फीमेल स्टाफ ओके यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई अब देखो अगर यहाँ पे ये फीमेल स्टाफ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड सिमिलरली ये टेन जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा हमारी टर्म कुछ ऐसे दिख रही होगी कि मेल स्टाफ

देखो इनवर्सली का मतलब क्या होता है डिवीजन में होना किसके इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ y यानी कि y स्क्वायर आ गया सही है ना सिंपल सी स्टेटमेंट वेरी बन गई ये पहली स्टेटमेंट है देखो दुनिया के अंदर ये बात बहुत नॉर्मल सी है कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आते है तो बेसिकली क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाएगी अच्छा क्यूब रूट क्या होता है भाई क्यूब रूट का मतलब है पावर के अंदर 1/3 का होना तो अब देखो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा k आएगा सही है ना k का k क्या है मेरा एक कोई भी कांस्टेंट होगा 1/y स्क्वायर का y स्क्वायर ये बेस बेसिकली मेरे क्वेश्चन की ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल स्टेटमेंट है अब एग्जामिनर क्या कहता है अगर

So, K के अंदर के वैल्यू डाल दी वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर की तो वाई की वैल्यू सिक्स तो क्या होगा थर्टी सिक्स फर्दर सिंप्लीफाई कर लो क्या बन जाएगा फोर्टी एट डिवाइड बाई थर्टी होगा अब बेसिक पे जाना तो बेसिक मैथ कर लो के टू टूर फोर टू फोर एट टू वन टू टू एट सिक्सटीन

बन जाएगा ये हो जाएगा कि सिंपल तरीके से वन बाय थ्री दोनों टर्म्स के पास जाएगा तो जब दोनों टर्म्स के पास जाएगा तो रेसी प्रोकेट फॉर्म में जाएगा ये बन जाएगा फोर की पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री की पावर थ्री अब फोर की पावर थ्री क्या होता है अभी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है पावर थ्री क्या होता है सिक्सटी के बराबर और थ्री का क्यूब क्या होता है का क्यूब इज ट्वेंटी सेवन तो आंसर क्या आ गया डिवाइडेड ट्वेंटी सेवन के बराबर आ गया इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगी मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ बच्चे को समझ में ना आए देखो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया सबसे पहले पहली कंडीशन देखो ये कंडीशन इन क्वेश्चन ये बहुत आती है आईबी के तकरीबन हर दूसरे साल में कॉन्सेप्ट आया बहुत है एग्जामिनर कहता है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ फाइव तो देखो मैंने क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा सिंपल तरीके से प्रोपर्शनलिटी लगाया और चूंकि इनवर्स से कहा था इनवर्सली स्क्वायर है का, तो सिंपल ये आ गया अब देखो प्रोपेशनलिटी कभी

Dollars for the first hour and B dollars for the each additional hour. The car is parked. When Jacqueline leave this parking garage, she is charged with C dollars. examiner कह रहा

जैकलिन साहब ने गाड़ी के गैराज को दी है मगर तो एग्जामिनर मुझसे यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ आवर्स बताओ देखो स्टेटमेंट कैसे बन रही है इन केस किसी बच्चे को क्लियर नहीं है मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे पास ये सी डॉलर बेसिकली वो रकम है जो कि मैंने गैराज को दी है ये कैसे बन रही है इसका ब्रेकडाउन करते हैं देखो नॉर्मल सी बात है आप लेट्स सपोज किसी चेस के ऊपर जाते हो इतिहास के ऊपर जाते हो या मेट्रो के अंदर जाते हो शॉपिंग करने के लिए सही है ना आप वहां पे जाते हैं आप देखते हैं सेल लगी हुई है कि भाई पहली जो आपने सूट परचेस करा जे डॉट के ऊपर लेट्स सपोज इट इज समथिंग अराउंड 10000 रुपीस एंड द सेम कैटेगरी सूट अगर मैं नेक्स्ट टाइम उनसे शादी से परचेज करता हूं तो मुझसे कहते हैं कि सर इसमें हजार रुपए का डिस्काउंट है आपके टू थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट है जितने एडिशन करते जाएंगे उनके ऊपर हम ये वाली रकम चार्ज कर रहे फिर आपसे सेम गोज फॉर ईयर कि भाई पहले घंटे की फीस इतनी है और बकाया घंटों की फीस इतनी है मगर ये एच माइनस का मतलब क्या है कि भाई ये जो है ना इसका मतलब ये है कि भाई इस की जो अमाउंट है इसके अंदर पहले घंटे की फीस के अलावा वाले पैसे हैं इसलिए हमने यहाँ पे एच का वन किया कि भाई टोटल आवर्स में से मैंने वन को माइनस कर रहा हूँ यानी कि पहले घंटे को मैंने अलग रखा हुआ है अब इसके अंदर से अगर मुझे

यूएस ओलंपिक टीम है एफ मेंबर्स यानी कि भैया मेरे पास यूएस की एक ओलंपिक टीम है जो कि उसके बाद एफ मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ओके आगे एग्जामिनर कह रहे हैं दैट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दी जी चार्ट प्लेन्स यानी कि भैया वो कहीं जा रहे हैं और उसके लिए जी चार्ट प्लेन उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ओके okay. यानी कि देखो अगर मुझे कभी भी ये चीज निकालनी हो ना कि एक बंदे के पास कितनी क्वांटिटी आएगी तो मैं क्या करता हूं उस बंदे को उस क्वांटिटी से डिवाइड करवा देते हैं तो यानी कि अगर एफ मेंबर्स हैं और जी चार्ट प्लेन्स उनमें इक्वली डिवाइड किए जाएंगे तो एक बंदे के पास कितने प्लेन्स आ रहे होंगे सिंपल तरीके से तरह निकाल सकते हो आप फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज सौ रुपए है और आपको क्या करना है उनको पांच लोगों में डिवाइड करना है

एलसीएम लेंगे कैसे एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अ वेरी मेथड इंपॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमसे क्या कहता है कि नीचे वाली जो टर्म्स हैं लेट मी चेंज माय कलर नीचे वाली टर्म्स हमेशा आपस में नीचे मल्टीप्लाई होती हैं और फिर ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होती है तो एफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे से जी प्लस एच से और ये वाली जो टर्म है ये अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होती है तो ये वाली टर्म किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का साइन इज एफ इन टू जी बन जाएगा अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया आप ये कर सकते हो कि यहाँ से मैं ऊपर से एफ कॉमन ले लेता हूँ तो एफ अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लू तो क्या बन जाए

Times as old as his son, but in seven years more he will be only twice as the old. What is the age of each? Ab zara baat

अगर याद रखिएगा जब सात साल पहले बाप सात साल पहले की एज जो बाप की थी तो बेटे की एज भी सात साल पहले की ली जाएगी नॉर्मल सी बात है भैया तो यानी कि यहाँ पे भी, भी मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे भी, भी मैं सिंपल तरीके से ले लूंगा एस माइनस का सेवन ये बात समझ में आती है हमने क्या काम करा नहीं आती रिपीट कर देता हूँ देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके वाले साहब की तीन साल पहले की एज क्या थी और आपकी एज क्या थी तो लेट सपोज आपके फादर की अगर फोर्टी एज है अभी तो आप बोलोगे सर फादर की थर्टी एज थी हमारे सही है ना और अगर मैं कहता हूँ आपकी एज उस वक्त क्या थी आप बोलते हो हैं अठारह उस वक्त क्या होगी चौदह होगी यानी कि चार साल

यानी कि आज अगर पे जो एज है ना उसके दो साल के बाद जो सन की और फादर की एज में डिफरेंस होगा दैट शुड बी ओनली ट्वाइस एज एज ओल्ड का क्या कह कह रहा है कह रहा है एग्जामिनर बट इन मोर यानी कि आज की की जो फादर की एज है, उसमें अगर सात साल का इजाफा कर दें यानी कि बट इन सेवन मोर का मतलब क्या है कि भाई आज की जो फादर की प्रेजेंट एज है उसमें अगर सात साल का मैं इजाफा कर दूं तो उस वक्त उसका बच्चा उससे दो गुना बड़ा होगा खाली ट्वाइस एज ओल्ड होगा यानी कि दो गुना होगा किसके दो गुना होगा सन की एज का तो जाहिर सी बात है उस वक्त सन की जो प्रेजेंट एज है उसमें भी सात साल का इजाफा हो रहा होगा माशाल्लाह से तो क्या बन गया

सन की एज भी साथ साथ पीछे होगी तो इसलिए एस माइनस का सेवन आ गया हमने सिंपलीफाई करा पहली क्वेश्चन आ गई अब दूसरे के लिए एग्जाम ने कंडीशन दी थी बट इन सेवन इयर्स मोर ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ इज सन इसका मतलब क्या है कि भाई यानी कि अब सात साल के बाद मगर फादर सिर्फ दो गुना बड़ा होगा अपने सन की एज से तो भाई इसका मतलब क्या है फादर सात साल के बाद यानी कि सात साल के बाद की बात करें तो एफ प्लस का सेवन लगाया दो गुना होगा यानी कि टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे सन की एज से सन की एज भी सात साल के बाद जाहिर सी बात है आ, उसमें इजाफा होगा ना सात एय बढ़ेगी लेट सपोज अगर मेरी एज इस वक्त ट्वेंटी है मुझसे कोई बंदा कहता है कि भाई तुम सात साल के बाद क्या होगी थर्टी के बराबर होगी और सात साल पहले क्या थी सोलह सोलह सत्रह की गरीब बुक की होगी बात समझ में आ रही है अगर मेरी एज लेट सपोज अभी पच्चीस है कोई बंदा मुझसे कहता है कि सर आपकी एज फाइव ईयर्स के बाद क्यों

और जो एस ब्रांड के पेन है उसका एक डब्बा तुम्हारे पास टू हंड्रेड पर बॉक्स का नॉर्मल सी बात है भाई पाकिस्तान के मशहूर पेन कौन सा होगा अब कंडीशन से आप कैसे यहाँ पे बनाओगे देखो मेरे पास यानी कि फराज ने टोटल बारह बॉक्सेस पेन के परचेज करे हैं ये कंडीशन की तरफ निशानदही है कंडीशन कैसे है कि देखो मेरे पास दो तरह के पेन के डब्बे थे एक एस ब्रांड के पेन है और एक आर ब्रांड के पेन है फराज ने टोटल कितने पेन्स के डब्बे परचेज करें बारह तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी एस ब्रांड के पेन्स की होगी कुछ क्वांटिटी आर ब्रांड के पेन्स की होगी हमें इनकी एस S... ब्रांड के पेंस की क्वांटिटी और आर ब्रांड के पेंस की क्वांटिटी फाइंड करनी है हमें करने में हंड्रेड ये मेरी दूसरी कंडीशन यहाँ से बन सकती है कैसे देखो भैया मुझे मालूम है कि एक डब्बे की कीमत क्या है आर ब्रांड के पेंस के थ्री तो भाई एक डब्बे की कीमत थ्री है और मुझे नहीं पता टोटल कितने आर ब्रांड्स के उसने पेंस लिए तो मैंने सिंपल कर दिया सिमिलरली प्लस का साइन लगाऊंगा और मुझे मालूम है कि एक पर्टिकुलर एस ब्रांड के पेन की कीमत 200 है तो भाई टोटल में कैसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा देखो मुझे पता है एक डब्बे की कीमत 200 है क्योंकि उसने एस अमाउंट ऑफ ब्रांड्स परचेज करें एस ब्रांड के कितने पेन परचेज करें एक डब्बे की कीमत दो तो मैंने उसको एस से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू के बाद जो उसने टोटल अमाउंट खर्च करी है वो थर्टी की है तो बेटा देखो ये इक्वेशन किस चीज को सिंपलीफाई कर रही है किस चीज को बताने की कोशिश कर रही है ये बता रही है कि देखो तुम्हारे पास जो एस ब्रांड का एक डब्बा है दो सौ रुपए है आर ब्रांड का एक डब्बा तीन सौ तीस रुपए का है तो भाई मैंने सबसे पहले काम क्या करा सबसे पहले मैंने तो इनकी चूंकि टोटल उसने बारह पैंट परचेस करे यानी कि एस प्लस आर किसके बराबर है बारह यानी कि एस ब्रांड की जो टोटल क्वांटिटी और आर ब्रांड की टोटल क्वांटिटी बारह के बराबर है उसने परचेस करें अब मुझसे एग्जामिनर कह रहे हैं जो उसने पैसे खर्च करें वो थर्टी सेवन हंड्रेड करें मालूम है कि जो अमाउंट स्पेंड की जाती है उसकी हमेशा कंडीशन डिफरेंट बनती है और जो पर्टिकुलर जो क्वांटिटी होती है उसकी कंडीशन डिफरेंट बनती है तो

हूं तो प्लस का s दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस का s बन गया तो मैंने यहाँ से r की वैल्यू को निकाल लिया इसको सब्सिट्यूट करवा देंगे इस बड़ी इक्वेशन के अंदर तो बेटा देखो इस अब सिंपल तरीके से इक्वेशन में जहां r आ रहा है वहां r की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ये हो जाएगा 330 का 330 r के अंदर r की वैल्यू आ जाएगी दैट माइनस का s प्लस का साइन दैट इज का दैट इज 200 का 200 s का s दैट इज इक्वल टू के बाद 3700 देखो इससे फायदा क्या हुआ कि इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे थे उनको मैंने एक ही पे कन्वर्ट कर दिया अब आप इसको बैठ के सिंपलीफाई करवा लो सर सिंपलीफाई कैसे करवाएंगे देखो 330 यहां पे Uh, क्या हो जाएगा अंदर जाके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री थर्टी ट्वेल्थ क्या होगा भाई अगर मुझे थ्री थर्टी को मल्टीप्लाई करवाना है तो बेटा देखो थ्री थर्ट को सिंपल हम क्या कर देंगे ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई हमें पता है कि थ्री थर्टी के अंदर जीरो को बेशक गायब कर दो सिंपल 12 से 33 को मल्टीप्लाई कर दो होता होता है 3, 2, 0, 6 होता है क्रॉस का क्रॉस हो गया 3, 1, 3, 1, 0, 3. तो क्या बन गया सिक्स का सिक्स छह और तीन नौ हो गया और थ्री का थ्री और चूंकि जीरो भी मौजूद है तो क्या बन गया ये आ गया थ्री थर्टी को ट्वेल्थ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया थ्री नाइन सिक्स जीरो क्योंकि हमने देखो कभी भी जीरो आ रहा हो ना उसको मल्टीप्लीकेशन से हमेशा दा कर दो और सिंपल 33 को 12 से मल्टीप्लाई करा 396 आ गया जीरो का जीरो लगा दिया अब देखो ये 330 जब एस से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल एस प्लस का 200s टू हंड्रेड एस इक्वल इसवल के बाद 3700 का 3700. अब इसको कैसे करूंगा देखो नेगेटिव का 330, का 200 क्या बन गया ये बन जाएगा, 130S. और के बाद 3700 में वहां पे सिक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा अगर मैं सिंपल तरीके से थ्री नाइन में से थ्री सेवन डबल जीरो से जीरो नहीं बचेगा 6 में से जीरो जाएंगे 6 आएगा 9 में से 7 निकालोगे तो सी बात है 2 बचेगा और

अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट क्वेश्चन डिस्कशन नंबर ट्वेंटी इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है एग्जामिनर कहता है टू साइल ट्रेवल किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर इफ वन टेक्स मोर मिनट्स टू टेक्सोर वॉट डिस्टेंस दे कवर अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा बहुत गौर से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो जो ट्रेवल कर रहे हैं ना उस रेट के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं आपको बेसिकली उनकी विलोसिटी है कि भाई एक साइकिल स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है रहे इज टेन किलोमीटर पर आवर और दूसरा साइकिलस फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा है

देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास साइकिलिस्ट वन की स्पीड गिवन है दैट सिंपली मींस कि यार ये मेरे पास क्या आ रही है बेटा ये मेरे पास आ रही है साइकिलिस्ट नंबर वन की स्पीड तो अगर मुझे साइकिलिस्ट नंबर वन का डिस्टेंस निकालना है तो लेट एस एज्यूम डिस्टेंस एक्स है तो भैया मुझे मालूम है फॉर्मुला नॉर्मली होता है एस इज इक्वल टू देखो बेटा हमें मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम तो देखो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है मुझे यहाँ पे स्पीड गिवन है साइकिलिस्ट नंबर वन की तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसका डिस्टेंस किसी फॉर्मेट में इसका टाइम की फॉर्मेट में निकालना चाहूँ तो टाइम किसके बराबर होगा

तो टाइम क्या होगा टाइम बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो मैंने डिस्टेंस अगर एक्स कंसीडर करता हूं तो मेरे पास नीचे क्या आ गया स्पीड आ गई सिंपल हो गया आगे देखो एग्जामिनर मुझसे फरमाइश क्या कर रहा है एग्जामिनर कहता है कि यार अगर दोनों साइकिल्स के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस हो फोर्टी मिनट्स का है क्योंकि उसने क्या लिखा है इफ वन का तरीके कार बहुत ही सिंपल सा है कि बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे सिंपल तरीके से मेरे प्यारे शागि देखो मैं कूंगा कि टाइम वन माइनस टाइम टू इज इक्वल टू टोटल डिफरेंस टाइम जो टाइम मेरे पास एक्सिस्ट कर रहा है तो मेरे पास टोटल डिफरेंस टाइम कितना एक्सामिन कह रहे

और देखो बेटा 45 फाइव डिवाइड बाई टू क्या फोर्टाइव डिवाइड बाई टू टी टू पॉइंट फाइव होता है कैसे आप चेक करना चाहते हो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से देखो 45 को अंदर डालता हूँ अलाउ तो नहीं है टू का टू बाहर आ गया टू के टेबल में फोर आता है बिल्कुल आता है किस पे आता है टू इज फोर तो बेटा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया ऊपर से आप फाइव को नीचे भेज दो तो टू के टेबल में फाइव आता है नहीं आता है फाइव से छोटा नंबर कौन सा आता है फोर आता है टू टू जार इज बेसिकली फोर कितना बचा एक बच गया अब जाहिर सी बात है भैया टू के टेबल में वन नहीं आता क्योंकि वन टू से छोटा नंबर है तो मैं डेसिमल लगाऊंगा डेसिमल लगाऊंगा जीरो आ गया तो यहाँ पे फाइव का फाइव आ गया टू फाइव टेन यानी कि सिंपल तरीके

मैंने क्यों कहा एक नॉर्मल सी लॉजिक है लेट सपोज आपके दोस्त की शादी है या आपके मामू की, की शादी है या कजन की शादी है 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 आपको है, आपको आपको किसी मॉल जाना 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 अरीना और एनी मॉल इन द कंट्री आपको कहीं जाना है और आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करोगे गाड़ी भगाओगे ना यानी कि अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप क्या करते हो आप अपनी बाइक की अपनी गाड़ी की फुल रेस दे देते हो क्यों क्योंकि आपको पता है कि अगर जल्दी स्पीड में जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा और दूसरी बात अगर और ज्यादा स्पीड दे दोगे डायरेक्टली ऊपर भी पहुंच जाओगे उसमें

रिलेशन रखते हैं तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा कर दिया सिंप्लीफाई करवा देते हैं सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे बहुत ही बेसिक सी चीज है यार अच्छा भाई अब देखो मेरा बेटा हम लोगों ने इसका सिंपल तरीके से रेशो निकाल लिया यानी कि हमने रेशो ऑफ टाइम अपना कैलकुलेट कर लिया अब मुझे क्या करना है सिंपल तरीके से इस रेशो को सिंपलीफाई करना है ताकि मैं सॉल्व कर सकूं अब इस रेशो को सिंपलीफाई कैसे करेंगे कि भाई देखो मुझे आंसर इस फॉर्म में गिवे है तो मुझे रेशो सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा बहुत सिंपल होता है कि देखो कभी भी अगर आपको रेशो निकालना है ना ये भी आपने क्या निकाल लिया अभी जो मैंने काम किया ना मैंने सिंपल तरीके से स्पीड के रेशो का रेसीप्रोकल करा है क्योंकि मुझे मालूम है रेशो ऑफ टाइम क्या होगा बेसिकली इट इज दी रेसीप्रोकल ऑफ दी सिंपली रेशो

डाल के सिंपलीफाई कर दूंगा यानी कि देखो रेशियो नीचे रहेगा ऊपर 120 यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगी मैंने एक क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में भी समझाए हुए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक के अंदर भी कि हमने सिंपल टू टोटल क्वांटिटी मेरा एलसीएम आ रहा है वो ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा सिमिलरली देखो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है दूसरी क्वांटिटी मेरे पास है 1 तो सिंपल तरीके से ऊपर क्या आ जाएगा 120 और नीचे क्या आ जाएगा 5 का 5 अच्छा तो बेटा देखो अब हम लोगों ने क्या भी अपना निकाल लिया मेरे पास रेशो ऑफ द स्पीड की वैल्यू गिवन थी मैंने रेशो ऑफ स्पीड से रेशो ऑफ टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया मगर मुझे इसे भी सिंपलीफाई करवाना है ये रेशो भी सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है तो बेटा रेशो निकालने का फाइनल तरीके कार क्या होता है कि कभी भी अगर आपको रेशो गिवन होता है तो आप उसको सिंपलीफाई कैसे करवाते हो रेशो निकालने के लिए कि भाई सिंपल तरीके से आपके जो भी नंबर्स गिवन होते हैं आप सबसे पहले उनका एलसीएम लेते हो और फिर उस एलसीएम को रेशो पे डिवाइड करवा देते हो आपके पास फाइनल रेशो का आंसर आ जाता है तो मेरे तीनों नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं देखो मेरे नंबर्स आ रहे हैं 6 5 और 4 तो इनका एलसीएम यानी कि इनका

इन तीनों नंबर्स का शेयर होगा उसको आप एलसीएम ले लोगे और फिर उसको डिवाइड करवा दोगे अपने रेशोस के साथ तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा एक्चुअल में रेशो एग्जिस्ट क्या कर रहा है तो क्या बन जाएगा बेटा ये हो जाएगा सिक्स टू जार ट्वेल्व जीरो का जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा फाइव टू जार एंड फाइव फोर जार सही है ना भैया अच्छा आगे क्या हो जाएगा भाई आगे मेरे पास आ जाएगा फोर वन जार फोर फोर थ्री एंड जीरो का जीरो तो ये आ गया ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थर्टी का रेशो मगर इसको अगर मैं कंप्लीट टर्म के अंदर मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई टू की डिविजिबल फॉर्म आ रही है यानी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्टी तो पूरी टर्म में से अगर मैं 2 को निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, जाएगा, जाएगा तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीके का दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत सिंपल सी चीज है बेटा देखो आपको रेशो ऑफ दिविन था हमें ये बात मालूम है कि भाई अगर स्पीड का रेशो गिविन है तो भाई मुझे अगर टाइम का रेशो निकालना है तो उसको पहले कन्वर्ट करवा दिया

वो तुम्हारे पानी की टैंकी को तीन घंटे में फिल करता है और उसी तुम्हारे टंकी के अंदर एक और पाइप भी आ रहा है, आगे है, में एक भी है जो कि बेसिकली घर के तमाम वॉशरूम्स के अंदर तुम्हारे पूरे घर के अंदर एक्स वाई सी कहीं भी जा रहा है और पाइप सी जो है ना छे घंटे के अंदर पूरी तुम्हारी टंकी को खाली कर सकता है अगर वो पाइप ऑन है एग्जाम्पल कहते हैं हाउ मेनी एग्जैक्टली फिल जरा बात समझो देखो मैंने हमेशा

पाइप ए से टाइम आ रहा है यानी कि मेरे पास जो टाइम आ रहा है पाइप नंबर ए से पाइप नंबर ए से अगर मैं पानी की टंकी को फिल करता हूं तो उसको का 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 जो फिल करने टाइम है वो घंटे फॉर एग्जांपल और मेरे पास जो टाइम आ रहा है पाइप नंबर बी से पानी की टंकी को फिल करने का इज समथिंग अराउंड आवर्स और एक जो पाइप है ना ये एम करने के लिए ये फिल नहीं कर रहा टंकी को ये खाली कर रहा है ये डिस्चार्ज कर रहा है यानी कि ये जो वाला जो पाइप नंबर सी है ना मेरे पास ये वो पाइप है जो बेसिकली मेरी टंकी को क्या कर रहा है डिस्चार्ज कर रहा है अब

जाकर रेसी प्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स जिसके अंदर टैंक फिल हो रहा होगा ट्वेल्व बाई फाइव होंगे मैं पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आप इसको तरीके बाद समझिएगा देखो हमें बेसिकली basically... इस क्वेश्चन के अंदर तीन पाइप के बेन या तीन से ज्यादा भी given, तो दस हो कोई मसले की बात नहीं है ये कॉन्सेप्ट बिलियन डॉलर का कॉन्सेप्ट पिक करो कि देखो हम लोगों ने जिंदगी में हर एक ने यह काम किया होगा कभी ना कभी भाई आप इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं में में हो आई होप कि आपके घर में पानी की बाल्टी होगी तो आपने बचपन में जरूर उसमें छमछम करे होंगे या अगर आपके घर में बाढ़ टब आपने बाढ़ टब के ऊपर सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर आपने जरूर उसके ऊपर कभी ना कभी फिलआउट भी किया होगा और उसमें छमछम भी करे होंगे है ना भाई हर एक करता है सही है तो लेट आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ यार देखो लेट सपोज मेरा जो बाथ टब है या फिर पर्टिकुलरली मेरी जो पानी की बाल्टी है

गया 1 बाय फोर हो गया और पाइप सी नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है कि डिस्चार्ज कर रहे पानी निकाल रहा टैंक से तो वन 6 हो गया मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास देखो ये एक मिनट के अंदर मेरी पानी की टंकी कितनी फिल हो रही है ये उसकी वैल्यू है एक मिनट में, में मेरी पानी की टंकी कितनी फिल हो रही है जरा बात समझिएगा उसकी वैल्यू है तो भैया कोई मसले की बात नहीं है तो मेरी पानी की टंकी कितनी फिल हो रही है ये बेसिकली उसकी वैल्यू है तो फिल की जगह पे ये आ गया ऊपर क्या है वन वन बेसिकली क्या है टोटल नंबर ऑफ आवर्स तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाले देखो यहां पे डिवाइड हो रहा है वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी वन डिवाइड बाई फाइव बाई ट्वेल्व और जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स जिसके मेरी कंप्लीट पानी की टंकी फिल हो रही होगी डेट शुड बी भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अब मुझे बताइए इसमें कोई मसले की बात कोई परेशानी की बात देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक है मैंने आपको आपकी रियल लाइफ से दी है। देखो, आप इसको परेशान मत हो देखो आप इसको अपने रियल लाइफ से कंपेयर करो बचपन में किस तरीके से करते थे? देखो, जब तक आप इसको रियल नहीं जाओगे ना यू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन रिमेंबर दिस थिंग समथिंग जिसको आप जब तक रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करवाओगे आपके लिए सॉल्व करना हमेशा टफ होता रहेगा बेटा अच्छा इस तरीके से हो गया हमारा सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का आ रहा है एग्जाम कहता है एवरेज वेट ऑफ फाइव किड्स इज सेंटीमीटर। वन किड सेंटीमीटर बाय मिस्टेक फाइंड एवरेज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और विदिन सेकंड होने वाला क्वेश्चन है भैया देखो पेपर के अंदर जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको विद इन थर्टी सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है समझने में उस क्वेश्चन को आपने फॉरन सॉल्व नहीं करना मैं एक बात हमेशा अपने शागिदों को कहता हूं कि बेटा देखो एप्टीट्यूड इज नॉट लाइक योर इंटरमीडिएट ए लेवल साइड आपको पेपर में जिस क्वेश्चन के ऊपर थर्टी सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है उस क्वेश्चन में आपका टाइम जया हो रहा है आपने उसको पहले अटैम्प्ट नहीं करना पहले आपने सिंपल क्वेश्चन को अटैप्ट करना है पहले अपने आसान क्वेश्चन को अटैप्ट करना है। ये मेरी हिदायत तमाम बच्चों के लिए जो एलकेट की तैयारी कर रहे हो आई की कर रहे हो किसी की करो एच यू टॉपसी करो के एस बिल कर रहे हो याद रखिएगा एप्टीट्यूड के पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है हमेशा पहले आप आसान क्वेश्चन

थर्टी का है और हमने एक काम जो मैंने यहाँ पे करा था कि यार देखो मुझे एवरेज जो मुझे गलत पे एवरेज है वो सिक्सटी था और टोटल अमाउंट थी यहाँ से मैंने सम निकाल लिया अब मैं करूंगा क्या कि भाई मैं सिंपल तरीके से जो मेरे पास सम आया है ना सम

कर रहे तो मेरे शागिद फॉरन से पिक करेगा थ्री कंजर्गेटिव और इंटीजर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई ये होता है ए कॉमा

तो सेकंड वाला देखो ये है यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं फाइव टाइम्स ऑफ सेकंड ऑफ दी थ्री कंजेकेटिव और इंटीजर्स तो फाइव टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर कौन सा है ये वाला है थ्री कंजेकेटिव और इंटीजर्स में आगे कहता है इस मैथ में इसके मायने होते हैं मेरे प्यारे शहजादे इक्वल टू के इज थर्टीन लेस देन थ्री टाइम्स देखो थर्टीन लेस देन थ्री टाइम का मतलब क्या है कि तेरह जो हो रहा है ये माइनस हो रहा है किससे माइनस हो रहा है आगे बता रहा है इस थर्टीन लेस देन थ्री टाइम्स दी सम ऑफ दी फर्स्ट एंड दी थर्ड इंटीजर अब जरा बात समझिएगा कहता है थर्टीन लेस देन थ्री टाइम्स दी

दे के लिए काम गया यार मतलब मेरा के हो सकता है यहाँ पे तो अलहमद अल्लाह ने इज्जत दी कहने का मकसद किया जब आप भी जाओगे ना बेटा तो भाई अपने किसी को देखो मत किसी को वहाँ पे अपने आपसे कंपेयर मत करो याद रखो तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने मुझसे तैयारी करिए कहीं से भी तैयारी करी यू मस्ट प्राउड ऑफ येल्फ कर ये uh, आप पढ़कर आए हो आपने आप आप आपके कोई भी मजहबी कलमत है और वहां जाके आपने सिर्फ किसी को देखना नहीं है आपने ये सोचना यू कैन डू इट यू कैन डू इट देखो अगर आप ये भी करोगे ना इससे भी आपका बहुत सा प्रेशर रिलीज होगा होता क्या है चौदह हजार बच्चा पेपर देने आया होगा तीस हजार बच्चा पेपर देने के लिए होगा आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है ना बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है जब आप

मुझे उस तक मिलती है जब मेरा स्टूडेंट आके मुझे बताता है कि सर मैंने आपसे तालीम हासिल करी थी और आज मैं आई में बैठा हूँ या आज मैं लम्स में बैठा हूँ या आज मैं नस में बैठा हूँ इनफैक्ट कुछ अर्सा कबल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया एंड शी वज गेटिंग एजुकेशन सेपेंसिया डेट इज लोकेट इन इटली तो वहां से तालीम हासिल कर थी तो मुझे उसने मैसेज किया कर, सर वो देखें आपके डेरेवेट को जो है प्ले लिस्ट में बैठ के देख रहा हूँ एंड आई एम स्टडिंग सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द बस्ट सिविल इजीयर इन दर्ड मेरे ख्याल में टॉप थर्टी के अंदर आते वॉज स्टंडिंग फॉर्म तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट था सिमिलरली जब बच्चा आके मुझे बताता ना यार मैंने आपसे यहाँ ताली हिल करी थी और आज मुकाम पर तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट होता है सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू सक्सीड इन योर लाइफ एंड आई उसके लिए एफर्ट्स कर सकूं जितनी कर सकता हूं अपने साथवेन्टीनर क्या है अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइफे पास पेपर के अंदर से दो का यह पेपर है कहता एग्जामिक सिक्वेंस इज द डिफरेंस बिटवी दी फोर्थ एंड देंड इज वन ट्वेंटी एंड बिटवी इट फिफ्थ एंड थर्ड इज फोर एटी अब बात को समझिएगा इस क्वेश्चन एक्सामिर कह रहे हैं कहता है कि सिक्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वैल्यू बताइए सिक्स टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी कि टी सिक्स किसके अंदर है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर है इफ द डिफरेंस बिटवीन

की वैल्यू निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर आपको डिफरेंस गिवन है फोर्थ और सेकंड टर्म का 120 और फिफ्थ और थर्ड टर्म का 480 कोई मसले की बात नहीं है देखो T6 निकालनी है इसका मतलब क्या है T6 का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इट विल बी विली ए आर T2 मुझे गिवन है यानी कि देखो अगर मुझे T4 की वैल्यू गिवन है तो यानी कि टी फोर माइनस तो टी टू का डिफ्रेंस है तो T4 क्या होता है देखो T4 मेरे पास होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ए क्यूब और T2 हमारे पास होता है सिंपल AR के बराबर इक्वल टू के बाद 120 का 120 सिमिलरली देखो T5 फाइव माइनस टी का यानी कि T5 और T3 का डिफरेंस गिवन है देखो मैं कैसे बना रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास फिफ्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस है फोर

स्क्वायर पूरा कॉमन लिया है ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा नीचे से ए आर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर बच रहा होगा हमारे पास सिंपल आर माइनस का वन ही बच रहा होगा इक्वल टू के के बाद 480 और 120 भी आपस में डिवाइड डिवाइड हो हो सकते सकते हैं हैं बिल्कुल किस टर्म ऊपर होंगे या ये डायरेक्टली फोर पे हो जाएगा ना वन ट्वेंटी फोर बस नॉर्मल में चेक कर लो चलो फोर थ्री जर टेल्व जीरो का जीरो फोर वन जर फोर फोर टू जार एट जीरो का जीरो से जीरो कट गया थ्री वन जे थ्री थ्री फोर ट्वेल्व तो क्या आ गया मेरा बेटा फोर आ गया इस ए से ए कट गया आर से एक आर कट गया

टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस गिवन था हमने पहले इन टर्म्स को ओपन अप करवाया दोनों को डिवाइड करवा दिया डायरेक्टली आर आ गया उस आर की वैल्यू को वापस लाकर इक्वेशन में डालोगे ए आ जाएगा और फिर सिंपल जो आपको इक्वेशन निकालनी है उस इक्वेशन की वैल्यू को ओपन करवा के उसमें वैल्यूज को ए और आर को डाल दो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया सो क्वेश्चन इज नॉट अ टफ अब ये नहीं कह सकते क्वेश्चन मुश्किल है बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी अगर आपको सीक्वेंस सीरीज आता है सो इट जस्ट आई वुड से बहुत ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतफाक से सीक्वेंस सीरीज का है अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे बहुत ही छोटी सी बात कर रहे हैं मगर बहुत ही मजे की बात कर रहे हैं अगेन सीवें सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है देखो मेरा प्यारा बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन पे पेपर को सॉल्व करते हुए हमें फील हो कि क्वेश्चन लेंदी है तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ ये चूंकि हम रियल टाइम पेपर को सोल्व कर रहे हैं आईबीए के तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट भाई आपके इंटरमीडिएट में आपके ए लेवल्स में और आपके नॉर्मल एप्टीट्यूड एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है नॉर्मल इंटरमीडिएट ए लेवल्स के अंदर आप एक लाइन सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो एप्टीट्यूड में कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना

होता है नंबर ऑफ टर्म्स देखो मेरे पास सात टर्म्स का सम अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या एन की जगह पे सेवन आ गया सेवन बाई टू हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर टू का टू 2... ए क्या है ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को देखो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमेशा सेन देखो माइनस का वन और डी क्या डी निकालेंगे क्योंकि एस सेवन की वैल्यू आपको एस सेवन के अंदर मैंने एस सेवन का फॉर्मुला ओपन कर दिया इसको अगर मैं सिंपलीफाई करवाऊं तो कैसे करवाऊंगा बहुत सिंपल है देखो सेवन बाई टू का सेवन बाई टू ऊपर क्या हो जाएगा फाइव टू जे और सेवन में से वन जाएगा सिक्स डी ना अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई से कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे कि आप ऊपर से पहले टू कॉमन ले लीजिए आपके पास दो तरीके सॉल्व करने के एक तो ये ऊपर से अगर मैं टू को कॉमन ले लू ना तो मेरे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी क्या मैं ऊपर से टू कॉमन ले लू ताकि नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए तो देखो सेवन का सेवन एज इट इज मैंने क्या करा ऊपर से टू एक कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया टू फाइव टेन प्लस का टू थ्री जार सिक्स इंटू डी का डी और नीचे जो टू था ना इस टू से बेसिकली टू कट गया इक्वल टू के बाद नाइनटी एट का नाइन एट देखो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं तो बेटा अगेन इफ आई विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल नॉट डू सच बेबी स्टेप्स मगर इसलिए सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि सारे बच्चों को जो है ना एक-एक बात क्लियर हो जाए मुझे इशू नहीं है मैं दो स्टेप्स में ही करके दिखा दूंगा मगर आप जब सॉल्व कर रहे होगे ना अगर आपकी प्रैक्टिस स्पीड अच्छी है तो यू कैन स्किप दी स्टेप्स ना सही है ना कोई मसले की बात नहीं है अच्छा अब सिंपल तरीके से आप चाहो तो आप डायरेक्टली 7 यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे 98 पे डिवाइड हो जाएगा क्या 7 के टेबल में 98 आता है कहीं पे सोचो जरा यार 7 1 7 होता है कितना कैरी जाएगा भाई दो कैरी जाएगा क्या 7 के टेबल में 28 होता है अरे सर होता है किस पे होता है 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 एट यानी कि यहां पे क्या बच जाएगा चौदह यहां पे क्या बच गया चौदह तो यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन गई इट शुड बिकम फाइव प्लस का थ्री डी इज इक्वल टू फोर्टीन अब देखो प्लस का फाइव वहां भेज दोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का अ, हो जाएगा वहां पे जाके तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा थ्री डी इज इक्वल टू चौदह में से अगर पांच निकाल दो तुम देखो चौदह में से अगर तुम पांच निकालोगे तो जाहिर सी बात है नौ बचेगा थ्री वन जरा थ्री 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 जरा ना तुम्हारे पास डी की वैल्यू आ गई थ्री के बराबर सही है ना डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई थ्री के बराबर आ गई देखो बहुत सिंपल सा काम करा क्या काम करा कि देखो चूंकि आपको पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए था अगर मुझे एस ट्वेंटी वन की वैल्यू है तो आई नीड दी कॉमन डिफरेंस मैं किसी और शॉर्टकट को पे अप्लाई नहीं कर सकता ऑल दो सम निकालने की शॉर्टकट होते हैं मगर यहां पे नहीं कर सकती डी नहीं

के टेबल में एक्जिस्ट करता है किसके ऊपर आता है 48 uh, 14 के ऊपर आता है सिंपलीफिकेशन करी डी की वैल्यू आ गई अब जब फाइनली डी की वैल्यू मिल गई अब क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का काम है 30 सेकंड से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे 30 सेकंड से पहले अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया अब देखो मुझे फाइनली S21 निकालना था तो S21 के लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखो n की जगह पे क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a a की वैल्यू क्या है देखो बेटा 5 के बराबर है तो a की जगह पे आ गया 5 का 5 प्लस का n 1 देखो n क्या है मेरे पास n मेरे पास 21 है तो सिंपल तरीके से 21 माइनस का

हा इंपॉर्टेंट है ये जो सी बात है दो ना अठारह के बाद से दो हजार रिलीज नहीं करे तो आप डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के पेपर देख रहे हो क्यूं? बच्चे पेपर देकर आते हैं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ये क्वेश्चन लगभग दो के अंदर आया थे ये पेपर इक्कीस का आ रहा है आपके सामने अच्छा बेटा अब जरा गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहता है इफ द रूट्स ऑफ 3x2 का इक्वल टू 0 आर इक्वल k

प्लस का एक्स प्लस का ट्वेल्व इसका मतलब क्या है मेरा प्यारा बेटा इस इक्वेशन के अंदर आपका ए क्या है देखो ए किसके बराबर होगा थ्री के बराबर होगा बी किसके बराबर है के बराबर है और सी किसकेक्वेशन के बराबर है भाई सिंपल इक्वेशन के अंदर जिसको स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो होता है जो स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसे ए कहते हैं जो सिंपल एक्स सिंपल फंक्शन की जो लीनियर पावर वाला फंक्शन होता है उसका कोफिशियंट होता है वो बी होता है और रिमेनिंग वैल्यू हमारा कॉन्स्टेंट हो जाती है सी तो भैया सिंपल तरीके से चूंकि एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि रूट्स कैसे हैं रूट्स इक्वल है इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की कौन सी कंडीशन यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस के फोर एसी वाली तो देखो बी का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का फोर एसी फोर किसके बराबर फोर फॉर्मूले का आ गया ए की वैल्यू क्या है थ्री के बराबर सी की वैल्यू आ रही है ट्वेल्व के बराबर इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो सिंप्लीफाई करवा देते हैं इसको बड़ा देखो फोर्थ थ्री बन जाएगा ट्वेल्थ ही हो जाएगा और ट्वेल्थ 12, ट्वेल्थ किसके बराबर होता है वन फोर्टी फोर के बराबर होता है इक्वल टू जीरो सिंपल तरीके से माइनस का वन फोर्टी फोर वहां भेज दोगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव का वन फोर्टी फोर हमें किसकी वैल्यू चाहिए के की वैल्यू एग्जामिनट मांग रहे हैं किसकी वैल्यू मांग रहे हैं के की तो ऑब्वियसली जब अंडर रूट लोगे तो के वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का ट्वेल्थ वन एव वी टेक दी रूट तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो वैल्यू आती है पॉजिटिव में भी आती है नेगेटिव में भी आती है तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का ट्वेल्ल आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखो कैसे सॉल्व किया इट इज जस्ट अल्कू क्वेश्चन मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन

क्यों कॉन्स्टेंट होता है तो एबीसी को डालो को डाल के सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर बड़े मजे की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कहीं आगे सॉल्व करवा देता हूँ देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 28 मार्क कर लो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रेसी ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वेंटी फाइव का के एक्स प्लस नाइन सर अब बात को समझते हैं इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के अंदर एग्जामिनर इज आस्किंग

निकाल लिया था एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है और एल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है तो भैया देखो एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है एल्फा प्लस बीटा बराबर है के डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव के

बेस टेन और देखो मेरे पास फर्दर क्या है फोर uh, आ रहा है फोर क्या होता है बेटा टू का स्क्वायर होता है मुझे ये भी मालूम है मैंने कर दिया इसको अच्छा भाई आगे क्या आ रहा है प्लस का लॉग का लॉग और देखो बेस टेन है और फंक्शन क्या है थर्टी टू देखो थर्टी टू का मतलब क्या है टू की पावर फाइव तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ओके okay. अब देखो भाई लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले याद रखिएगा लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी आनी चाहिए देखो एलन की है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि लॉग कभी भी किसी भी फंक्शन पे अगर अप्लाई हो रहा हो और उसके ऊपर कोई भी पावर एग्जिस्ट कर रही हो तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि बेटा वो पावर जो होती है ना वो हमेशा पहले चली जाएगी ये प्रॉपर्टी है और सिंपल लॉग नीचे वाले टर्म पे एडिटीज अप्लाई होता रहेगा यानी कि लेट वो पावर पहले लिख दी जाएगी और लॉग सिंपल नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाएगा और इसका वाइस फर्सा स्टेप भी पॉसिबल होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल

सेम देखो पे पावर आ रही है डाके पहले फेंक दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल माइनस का टू इज और ये पावर जो है यहां पहले लिख दी जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पहले वाले बेस्ड से सिमिलरली लॉग बेस इस नीचे वाले पे इज अप्लाई होता रहेगा सिमिलरली आगे देखो ये जो पावर फाइव है ना ये टू के ऊपर जो फाइव पावर आ रही है पहले लिख दी जाएगी ये पहले आ जाएगी क्योंकि लॉक की प्रॉपर्टी होती है दुनिया में ना लॉक की प्रॉपर्टी होती है मेरा प्यारा बेटा तो ये पावर फाइव पहले आ गई और सिंपल लॉक जो है हमारे पास टू पे अप्लाई हो अपला भाई तो बेटा देखो अभी क्या बन जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास

प्लस का बी माइनस का फोर है देखो हम वेरिएबल्स को कैसे ऐड करवाते हैं डिपेंडिंग के भाई कौन सा वेरिएबल जिसका वेरिएबल होगा उसी के साथ प्लस या माइनस होता है जैसे थ्री ए बी से प्लस माइनस नहीं हो सकता है फोर ए सी प्लस माइनस होगा क्योंकि देखो दोनों के अंदर सेम टर्म्स आ रही है सिमिलरली देखो लॉक के अंदर भी ये फनकारी होती है देखो लॉक के अंदर भी ऐसा ही होता है लॉक के अंदर हम फंक्शन देखते हैं कि भाई मेरे पास जिस लॉक का फंक्शन सिमिलर है ना इसका मतलब उनका खानदान भी सिमिलर है इसका मतलब क्या उनका खानदान भी सिमिलर है जिस तरह वेरिएबल के अंदर होता है कि हम देखते हैं भाई वेरिएबल एक जैसे जो वेरिएबल है वो हमेशा आपस में प्लस या माइनस होगा

से अब इसको करेंगे? देखो, अब हमारे पास, ये दो लॉग्स बच रहे हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं एड हो रहे हैं ये दो लॉग्स बच रहे हैं जो आपस के अंदर क्या हो रहे हैं एड हो रहे हैं और दोनों का फंक्शन कैसा है डिफरेंट है तो याद करो क्या मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई कि दुनिया में कभी भी दो लॉग्स अगर आपस के अंदर एड हो रहे हो

मुझे इस साइड की वैल्यू एक्स गिवन है क्वेश्चन में मुझे 30 डिग्री की साइड लेंथ एक्स गिवन है तो ये बात ज़हन में रखिएगा कभी भी अगर आप 30 से 60 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री करते हैं और कभी भी अगर हम लोग 30 डिग्री से 90 के ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और कभी भी अगर हम लोग 45 से 90 के ऊपर जाते हैं तो मेरा बेटा हमेशा मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं मैंने आपको ये पढ़ाए हुए साइड लेंथ की वैल्यूज फाइंड करने के अब देखो अगर मेरे पास 30 डिग्री साइड लेंथ की वैल्यू x है तो अगर मैं 30 के

कि लेट सपोज अगर आपको इस कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ऐसे समझ लो देखो लेट सपोज एल्फा एंगल है तो एल्फा के सामने वाली साइड को कहते थे ऐसा ही है आपके पास बीटा है, तो बीटा के सामने वाली को कहते हैं और गामा के सामने वाली सी कहते हैं शागिप्ट कि हमने एक कॉन्सेप्ट एक को देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 30 डिग्री की साइड लेंथ होती है तो यहां पे 30 की साइड क्वेश्चन में x के बराबर तो मैं यहां से क्या कहूंगा इस वाली साइड की वैल्यू निकालूंगा कैसे देखो ये वाली जो साइड है ना 60 की साइड है तो 30 से कभी भी जाते हैं

है फिफ्टी रूट के बराबर देखो मेरे प्यारे शागिर दुनिया के अंदर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के कई फॉर्मुलाज हैं कई फॉर्मुलाज हैं उनमें से एक फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ बेस इन हाइट के बराबर है ना भाई ऐसा ही है अब देखो ये जो मेरे पास एक ट्राइंगल गिवेन है इसकी हाइट क्या है भाई ये हाइट है इसकी इसकी बेस क्या है ये इसकी बेस आ रही है तो बेटा देखो सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवेन है क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू गिवेन है फिफ्टी इक्वल टू के बाद हाफ का हाफ बेस किसके बराबर है देखो बेटा बेस बराबर है हमारे पास अंडर

होगा तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया ये टू जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है फिफ्टी जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हंड्रेड फॉर्म हो गया एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन गया तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी

अगर किसी और पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा सबसे आसान मेथड है साइड लेंथ वाला बेटा मैंने अपनी ज्योमेट्री के लेक्चर्स मैंने ज्योमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ाई है सॉलिड ज्योमेट्री भी कॉर्डिनेट भी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री होती है स्ट्रेट लाइन वाली ज्योमेट्री सॉलिड ज्योमेट्री होती है फिगर्स वाली ज्योमेट्री तो बेटा देखो मैंने एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाई हुई है मेरे शागिद आप बिल्कुल तैयार बैठे हो पेपर के अंदर जाके पेपर को एस करने के लिए रिमेंबर माई वर्ड्स आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो कोई कामयाबी की गारंटी नहीं देता बट अगर आप मुझसे पढ़ लो आई कैन गिव यू द गारंटी देंटी आप अगर आप मेरे के तमाम क्वेश्चन को सोल्व करो जो मैंने सिर्फ लेक्चर में क्वेश्चन करवाए अगर उनको भी तरीके से करके जाते हो ना आई कैन बेट आप इजिली हजारों बच्चों से बेहतर रिजल्ट इट विल सबसे सर मैं इस जगह पर कामयाब हो गया और उसके पीछे नतीजा आपकी मेहनत का था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा फरख का माम होता है अच्छा भाई इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पूरे क्वेश्चन को रिपीट करने की नीड तो नहीं है बट चलो मैं रिपीट कर देता हूँ देखो हमें एक साइड की वैल्यू गेविन थी हमने साइड लेंथ के फॉर्मेले के ऊपर तमाम साइड्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया और फिर देखो अब हम हमारे पास एक्स की वैल्यू को निकालना था क्योंकि हमें पैरामीटर निकालना है पैरामीटर होता है तमाम साइड्स का सम तो मैं अगर डायरेक्टली इनको लिख भी देता ना मेरा आंसर नहीं आना था तो हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने सिंपल तरीके से देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल एक् एक् एक्स की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि क्वेश्चन में एरिया गिवन था तो एरिया का फॉर्मला यूटिलाइज करा भाई बेस क्या होता है बेस कहते हैं नीचे वाली चीज को हाइट कहते हैं ऊपर वाली चीज को सिंपल तरीके से बेस और हाइट को डाला तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई इस एक्स की वैल्यू को डाले प्लॉट कर दिया टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी हो गया सिंपल तरीके टेन को कॉमन ले लिया तो सिंपल वे में मेरा आंसर

वैल्यू गिवेन है आपको टू डिवाइडेड बाय थ्री के बराबर तो यहाँ से अगर मैं ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लू ब्रेथ किसके बराबर आ जाएगी ब्रेथ मेरे पास आ जाएगी आ, ये एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू डिवाइडेड बाय थ्री इन के बराबर ब्रेथ की वैल्यू आ गई अब एग्जामिनर ने आगे आपको एक और हिंट दी है कि देखो पैरामीटर तुम्हारे पास क्या है फोर्टी के बराबर है पैरामीटर गिवेन है फोर्टी के बराबर देखो पैरामीटर क्या होता है किसी भी क्लोज शेप फिगर के अंदर तमाम साइड का जो सम होता है हो, पैरामीटर होता है यानी कि इस साइड का इस साइड का इस साइड का इस साइड का तो चूंकि रेक्टेंगल एक ऐसी

टेन एल के बराबर तो इस जीरो से जीरो कट गया तो एल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ट्वेल्थ के बराबर आ गई यानी कि लेंथ की वैल्यू ट्वेल्थ के बराबर है तो इस लेंथ की वैल्यू को उठा के मैं प्लेस कर दूंगा तो ब्रेथ की वैल्यू भी आ जाएगी तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी अगर लेंथ मेरे पास ट्वेल्थ के बराबर आ रही है तो थ्री फोर जार ट्वेल्थ तो फोर टू जार एट तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास एट के बराबर आ गई ब्रेथ की वैल्यू जब ब्रेथ आपके पास एट के बराबर आ गई लेंथ आपके पास ट्वेल्थ के बराबर आ गई ना तो क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल आपसे एग्जामिनर ने एरिया मांगा तो बेटा देखो हम लोगों ने इस तरीके से अपनी लेंथ भी फाइंड कर ली और ब्रेथ भी फाइनड कर ली अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड द एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मला क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मला होता है एरिया इज इक्वल टू सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो लेंथ अगर 12 है ब्रेथ अगर 8 है तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 96 के बराबर आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन question... अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा क्या आ रहा है है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आपको गिवन 120 के बराबर और पैरामीटर्स गिवन है 46 के बराबर एग्जामिनर कह पैरामीटर है, बताइए है इसका डायगन क्या होगा ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है विद इन सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली इसमें formula exist करता है कि देखो आपको एग्जामिनर कह रहे है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है आपको क्या फाइंड करना है आपको इसका डायगनल फाइंड करके बताना है बाय द वे डायगनल बेसिकली वो लाइन होती है जो एक कंजेकेटिव साइड के वर्टेक्स से बनती है और

का फोर टू कैरी फोर फोर सिक्सटीन सिक्स और एटीन तो क्या बन गया बेटा ये हो गया सिक्स का सिक्स में चार का इजाफा करो कि ग्यारह बनता है आठ और दो दस और एक ग्यारह ग्यारह और एक टू वन वन सिक्स तो क्या बन गया टू वन वन सिक्स आ गया सा है ना तो देखो हाफ का हाफ है अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या आ गया टू वन वन सिक्स माइनस का एट इंटू वन ट्वेंटी देखो एट वन ट्वेंटी हो जाएगा कैसे एट जीरो जीरो हो गया एट टू जर का सिक्स वन कैरी एट वन एट वन नाइन नाइन सिक्स हो गया तो अगर मैं टू वन वन सिक्स में माइनस करता हूँ तो क्या बनेगा अच्छा तो बेटा अब हम सिंपल तरीके सिंप्लीफाई से फर्दर कर लीजिए फॉर्ट का स्क्वायर ले लिया टू वन वन सिक्स आ गया और एट इंटू वन ट्वेंटी आ गया इसको आपसेट करवा लो सपरेट कैसे करवाओगे टू वन वन सिक्स को अगर मैं नाइन सिक्सटी में से माइनस करवाऊंगा छे में से जीरो जाएगा बचेगा अच्छा अब मैं यहाँ से कैरी लूंगा तो एक में से छह नहीं आ सकता तो ग्यारह

तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि यार अगर आपको इतना बड़ा नंबर आ रहा है ना आपको नहीं पता क्या इसका आंसर होगा आप देखो कि यार आपके पास डायरेक्टली जो तो बेसिक नंबर्स होते हैं ना स्क्वाय ट्वेंटी का स्क्वायर स्क्वाय ट्वेंटी बेटा ये ये क्या बन गया ये आ गया आ मेरे पास रूट के अंदर अब देखो मुझे सोचना है कि रूट वन फाइव सिक्स कि बराबर होता है ऑल्दो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि थर्टी फोर के बराबर होता है मगर अभी हमने उस लॉजिक पे नहीं जाना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ सॉल्व करने का देखो बी रियलिस्टिक रियलिस्टिकार हमें रियलिस्टिक बनना है मुझे नहीं पता आप आपने बच्चा बोले सर मैं जो है ना मुझे तो सारे रूट्स आते हैं ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बच्चा बोले सर थर्टी फाइव का स्क्वायर भी आता है थर्टी फोर का भी आता है सो ऑन so ऐसा नहीं होता नॉर्मली बच्चे को नहीं आता होता

Artistic, यार बहुत से टीचर्स आपको बताएंगे नहीं भाई थर्टी फाइव तक याद कर लेना भाई नहीं हो सकता है नॉर्मल सी बात है ट्वेंटी तक भी याद कर लो बहुत बड़ी बात है ट्वेंटी तक याद कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी सही है ना मगर आप शॉर्टकट्स इस तरीके से फोलॉप कर रहे होते हो खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है थ्री ऑफ अ मेटल हुज एजेस आर थ्री सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली रीमेल्टेड अ सिंगल क्यूब द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज डैश अब जरा बात को समझिएगा बात क्या आ रही है एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि यार तुम्हारे पास जो है ना तीन क्यूब्स हैं एक मेडल के जिनकी एजेस उसने दे दी है मुझे यानी कि देखो लेट सपोज मेरे पास पहली पर्टिकुलर एक थ्री लेंथ आ रही है एक मेरे पास आ रही है आ रही है एक मेरे पास आ रही है आ रही है रिमेंबर दिस थिंग ये क्या है एक क्यूब की एज है यानी कि पहले क्यूब क्यूब की सपोज एज है है ये पहला जो है ना ये उसकी एज है मैंने वन सीई लिख दिया इसका मतलब क्या फर्स्ट क्यूब एज ये फोर जो है ये बेसिकली सेकेंड क्यूब की एज है और ये फाइव जो है ये थर्ड क्यूब की मेरे पास एज आ रही है बेसिकली दीज आर दी एजेस ऑफ द क्यूब्स एग्जामिनर कहता है कि यार तुम्हारे पास ये तीन क्यूब

एक पर्टिकुलर पहले क्यूब के वॉल्यूम का अब इसी तरीके से मैं V2 निकाल लूंगा V2 क्या होगा देखो मेरे पास जो सेकंड क्यूब की एज गिवन है मैंने लिखा हुआ भी है सेकंड क्यूब की जो एज गिवन है ना ये उसकी वैल्यू है तो मैं सेकंड क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना चाहता हूं सिंपल तरीके से फोर क्यूब कर दूंगा फोर क्यूब बराबर किसके होता है सिक्सटी के बराबर होता है सेम काम मैं करूंगा फिफ्थ क्यूब के साथ uh, सेम काम मैं करूंगा थर्ड क्यूब के साथ थर्ड क्यूब की जो एज गिवन है मुझे मैं उससे वॉल्यूम निकाल लूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव का क्यूब एंड फाइव का क्यूब इज इक्वल टू वन अब मुझे मालूम है कि यार अगर मुझे कंबाइंड क्यूब बनाना है

करे किसके हो जाएगा, जाएगा चालीस और दो सौ दो सौ सो सोलह दो सौ सो सोलह बनना चाहिए चेक कर लो दो सोलह ही बनना होगा हाँ सिक्सटी फोर के अंदर हाँ सही बन रहा 64 सही है सिक्सटी फोर के अंदर चार नौ और आपका फर्दर आपने डाल दिया तो आपके पास ये आ गया आठ और उसमें इजाफा करोगे बिल्कुल सही बन रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम

क्या होता है सोलह का क्यूब रूट बराबर होता है छे के तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल सिक्स सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो गया दोबारा रिपीट कर देता हूँ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अक्सर लोग डिफिकल्ट बना देते हैं देखो बहुत सिंपल है आपको बेसिकली आ, तीन डिफरेंट है एक मेटल के

हैं जो पिघला के बनाने के काम आ रहे हैं न्यू के अंदर उनकी वैल्यूज़ को मैंने ऐड करवा दिया तो ये वॉल्यूम मेरे पास आ गया के बराबर और अगर मुझे अब सिंपल यहां से लेंथ की एक के आ जाएगा। हो गया। अरे क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है ना जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा मुश्किल लगता है हालांकि भाई जो मेरे शागिद

मन लू तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का फाइव फाइव और माइनस का वन डिवाइडेड बाय टू वन में टू एक्जिस्ट नहीं करता तो मैंने इसके डिवीजन में लिख दिया जाएगा इक्वल टू जीरो मल्टीप्लावर है पे एक जीरो से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा देखो पहला काम कभी भी तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो उसको नॉर्मल उसकी जनरल फॉर्म पे लाया करो जनरल फॉर्म पे लाने का मतलब ये होता है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा वन वन होने चाहिए कभी भी ये टू नहीं एग्जिट कर सकते अगर कभी भी तुम्हारे पास के अलावा कोई और कोफिशिएंट आ रहा है तो आप उसको कॉमन लेके खत्म करोगे अब आपने दूसरा काम क्या करना है एक शॉर्टकट है शॉर्टकट क्या होता है कभी भी आपको सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल तो सिंगल पावर वाले को फैक्टर्स हैं जो सिंगल पावर वाले फंक्शन है जो सिंगल पावर वाले फंक्शन हैं है, या सिंगल पावर वाले वेरिएबल्स हैं उनको डायरेक्टली आप माइनस टू से डिवाइड करवा दो बंद करके सिंपल क्या करो डिवाइड करवा दो आपको डायरेक्टली यहां से सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी कैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई माइनस टू करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा यह आ जाएगा पॉजिटिव का थ्री बाय टू और यहाँ से क्या आ जाएगा फाइव बायेटिव टू ये हो जाएगा नेगेटिव का तो ये सिंपल तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा सेंटर का सेंटर का आंसर देखो क्या आ गया थ्री बाय टू कॉमन नेगेटिव का फाइव बाई टू अब एग्जामिनर चला फर्क एग्जामिनर को पता था कि सर हाशिम के स्टूडेंट्स को शॉर्टर आता होगा तो उसने दोनों दो दफा दो दफा वैल्यू दी हुई है कहता है रेडियस में निकाल के बताओ अब रेडियस निकालने का फॉर्मुला होता है मैं भी पूरी शॉर्टकट दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ देखो रेडियस निकालने का फॉर्मुला क्या होता है रेडियस निकालने का फॉर्मुला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी सही है ना सिंस आपके पास जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ होता है मगर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली माइनस एन वैसी पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने क्या करना कर है प्लॉट कर देना है 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 स्क्वायर स्क्वायर क्या मेरे पास थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और ये देखो जो सेंटर आता है ना सेंटर बेसिकली क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव और को हम सेंटर कहते हैं सर्कल के अंदर तो यहाँ पे चूंकि जी स्क्वायर है इसलिए मुझे नेगेटिव से मसला नहीं है मैं डायरेक्टली पुट करवा दूंगा तो देखो जी की वैल्यू क्या है थ्री बाई टू और एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास नेगेटिव फाइव बाई टू चूंकि बाहर स्क्वायर आ रहा है तो चिंता की बात नहीं

ये ऊपर आ जाएगा सिंपल थ्री का स्क्वायर इज नाइन टू का स्क्वायर इज फोर बेटा देखो प्लस का साइन एडिट का एडिट इज नेगेटिव फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर इवन पावर है नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर और प्लस का वन बाई टू एडिट इसका एडिट इज फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो इसको तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस का नौ ये हो जाएगा चौंतीस ऐसे ही ना भाई ट्वेंटी प्लस का नौ क्या हो गया आपके पास थर्टी हो गया और फोर का फोर एडिट इज प्लस का हाफ एडिट इसका एडिट इज यहाँ पे एल्सियम ले, ले लेंगे कैसे लेंगे भाई टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा थर्टी

टर्म्स हैं और एक आती है वो टर्म जिसका कोई वेरिएबल नहीं हो जिसका वेरिएबल है उसे कांस्टेंट कहते हैं ना तो कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट आ गया सिंपलीफिकेशन करोगे क्वेश्चन कंप्लीटली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी क्वेश्चन बिकॉज इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरा मजे का कॉन्सेप्ट है देखो ये क्वेश्चन सेकंड्स में करने वाले होते हैं मैं अक्सर देखता हूं कि यार ए लब्स का बच्चा नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन से तक परेशान नहीं होता यूजुअली मेडिकल का बच्चा यूजुअली हमारे पास जो इंटर का बच्चा होता है ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बड़ा घबराता है हालांकि बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आर दी मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर पेपर देखो सबसे आसान क्वेश्चन होंगे कैसे एग्जामिनर कहता है लाइन वन In the XY plane, contain points from each of the quadrant 2, 3, and 4, but no points from the quadrant 1, which of the following must be true. Now, talk पहले तो हम जितनी से मंजन कहानी बताई है ना उस बात को समझ लेते हैं फर्स्ट कॉर्डेंट है है। तो होता है एग्जामिनर आपसे तुम्हारे पास एक लाइन है।, है जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है और वो कह रहे हैं कि इस लाइन की खास बात यह कि इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना ये पॉइंट कॉर्डेंट टू कॉर्डेंट थ्री और कॉर्डेंट फोर के अंदर आ रहे हैं हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं ना वो कॉर्डेंट टू थ्री और फोर से एग्जिस्ट कर रहे हैं मगर

अब हमने करना क्या हम एलिमिनेट करवाएंगे अपने रॉन्ग ऑप्शन को पहले देखो पहले नंबर के ऊपर मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है द स्लोप ऑफ लाइन इज अनडिफाइंड इसका मतलब क्या है हम चलो कह सकते हैं हो सकता है ये मेरा करेक्ट आंसर हो क्योंकि बात तो सही कर रहे हैं ना पॉइंट्स मुझे नहीं ऑब्वियसली

से पॉजिटिव बेस दे रहा होगा 90 डिग्री दे रहा होगा ऐसे यहाँ 90 डिग्री दे रहा होगा उसके बाद तो फिर वो अपने आप को क्या करेगा नेगेटिव के बेस के ऊपर आंसर दे देगा यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस बात को जानते हो कि 135 डिग्री के ऊपर आपके पास जो स्लोप मिलता है वो क्या होता है नेगेटिव 1 होता है इसका मतलब क्या है देखो ये जो लाइन आ रही है तकरीबन सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आ रही है इसका मतलब ये लाइन नेगेटिव होगी पॉजिटिव नहीं सकती कभी भी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से मोस्ट ट्रू आंसर कौन सा है मस्ट बी ट्रू कि लेट्स सपोज ऑप्शन

पर्टिकुलर पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं क्योंकि आईबीए के पेपर पैटर्न को हर यूनिवर्सिटी फॉलो अप कर रही होती है हर यूनिवर्सिटी वहां से क्वेश्चंस निकाल निकाल के अपने पेपर्स में डालती है तो ये क्वेश्चन सेट का बड़ा मशहूर क्वेश्चन है एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ एंड देन व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन अब ग्रेडियंट किसे कहते हैं ग्रेडियंट का एक और नाम होता है स्लोप यानी कि स्लोप का एक और नाम होता है ग्रेडियंट तो मैं मैं क्वेश्चन को जरा नीचे भी उतार देता हूं ताकि हमारे लिए जगह जरा ज्यादा बन जाए देखो तो एग्जामिनर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना f इंटू टू की वैल्यू बराबर है किसके 5 के आगे कहता है कि तुम्हारे पास f इंटू फाइव की वैल्यू बराबर है किसके 10 के कहता है कि ग्रेडियंट बताओ फंक्शन का देखो पहले तो आप इस स्टेटमेंट को समझो जिस बच्चों को ये स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती देखो इसका मतलब क्या है अगर मैं जिंदगी में कहीं भी, भी आपके सामने लिखता हूँ ना एफ एक्स तो एफ एक्स क्या होता है बेटा इसका मतलब ये होता है कि देखो ये जो आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पे तो आपको वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू आपको जो एफ के साथ एफ के

ल

टू एम प्लस का भी मैंने पहली इक्वेशन ऊपर रखी दूसरी इक्वेशन आ रही है टेन इज इक्वल टू

एक्स माइनस एक बड़ा मजे का और देखो बेटा हमें यहाँ पे निकालना क्या है हमें एग्जामिनर कह रहा है आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स देखो एफ इनवर्स एस निकालना कैसे आता है? वैसे बाय द वे ये वाले क्वेश्चन ईकेट e में ज्यादा आते हैं मगर अगर आप इस चीज को देखो ना कि आई बी इज नाउ चेंजिंग इट्स पेपर पैटर्न अब आई बी अपना पेपर पैटर्न टोटली चेंज कर रहा है एक जमाना पहले तक होता था कि सिर्फ ए लेवल से कॉन्सेप्ट ज्यादा आते थे अब इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं तो कहने का मकसद ये कि भैया ये आई बी की खूबसूरती है कि आई बी अपनी पेपर पैटर्न को रिवाइज कर रहा है क्या उसके अंदर हर टॉप हर तरह के बोर्ड के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे अब देखो एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है इसका इनवर्स निकालना है इसकी कंडीशन होती है

वैल्यू निकाल सेकंड स्टेप क्या होता है कि xt फॉर्म में वैल्यू को फाइंड करना अब xt फॉर्म में वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो जाहिर सी बात है टर्म यहां पे डिवाइड हो रही है वहां पे कि मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपली मींस क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल बाय x प्लस का y इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा इक्वल टू के बाद है x का 1 अब मुझे चूंकि सिर्फ एक्स की फॉर्म में आंसर निकालना है यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्स होना चाहिए तो मैं इस प्लस के एक्स को भेज भेज दूंगा प्लस के y को यहां दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा ये हो जाएगा सिंपल तरीके से वाई एक्स माइनस का वाई यह जब यहां पर आएगा तो नेगेटिव का वाई हो जाएगा अब मैं यहां से एक्स को क्या ले सकता हूं कॉमन ले लेता तो, हूं मैं अगर यहाँ से एक्स को कॉमन ले लूंगा तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास वाई माइनस का वन इक्वल टू के बाद क्या वन ने नेगेटिव नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस का वाई नेगेटिव वाई अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सिंपल वन प्लस का वाई अब आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करवा लो कैसे कि देखो ये जो y का वन है यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो सिंपल तरीके से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव का साइन इधर 1 का y एज इट इज का एज इट इज और नीचे होल डिवीजन में क्या आ गया 1 uh, y का 1 सही ना मेरे प्यारे बेटा हमने ये वाला काम तो बहुत सिंपल से कर दिया बहुत सिंपल से वाला काम कर दिया इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तो भैया देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई आपने देखो तीन स्टेप्स के अंदर इनवर्स फाइंड करना होता है पहला स्टेप क्या होता है जो fx आ रहा है इसको y से रिप्लेस

फ इनवर्स पे कन्वर्ट करते हो जहां जहां बाइ होता है उसको आप एक्स पे कन्वर्ट कर देते हो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस हमारी जो एफ इनवर्स एक्स है ना इसका आंसर आ गया फाइनली हमारे पास हमारे एफ इनवर्स एक्स का आंसर आ गया बट दिस इज नॉट दी फाइनल आंसर उसके पीछे मैं आपको लॉजिक को भी बताऊंगा क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्यों मैंने भी अपने के अंदर क्वेश्चन करवाया था मैंने फंक्शनल टॉपिक पढ़ा था मैंने करवाया हुआ है इस क्वेश्चन को उसके पीछे रीजन क्या अगर आप अपने आंसर को देखोगे ना आंसर में तो एक आंसर आ रहा है एक्स माइनस का वन एक आ रहा है एक्स प्लस का वन एक आ रहा है नेगेटिव का वन बाय एफ एक्स और एक आ रहा है वन बाय एफ एक्स आप कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है यार क्या रीजन है सर यहाँ पे

आइए चेक भी कर लेते हैं देखो हमारा आंसर क्या है और ये आंसर किसी से भी मैच नहीं कर रहा भाई नेगेटिव का नहीं है कुछ और फनकारी हुई हुई है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको वन बाय एक्स और नेगेटिव का वन गिवन है इसका मतलब क्या है एग्जामिनर ने आपसे थोड़ी सी जो है ना लॉजिकल बात खेली है अगर मेरे पास मेरा जो भी आंसर निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है तो भाई मुझे जो ओरिजिनली क्वेश्चन गेवन डेट

एक अच्छा बच्चा जो होता है ना वो हर टीचर की बात समझ लेता है मगर एक एवरेज बच्चे जो हॉफ होता है एक एवरेज बच्चा जो होता है बिकॉज आई वॉज आई लिटरली बिलीव किया जो बैक बेंचर बच्चा होता है ना ये सबसे बड़ा एसेट होता है अगर आप इस बैक बेंचर बच्चे को थोड़ा सा डिटेल में बता दो ना इसको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आती है सो आई पर्सनली बिलीव कि भाई मेरा जो बैक बेंचर बच्चा है ना उसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ इतनी डिटेल में बात समझाता समझाऊँ अदरवाइज यार देखो मैं इतनी मेहनत से अगर बात को कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट योर रिजल्ट एंड आई वॉन्ट एट ऑल ऑफ यू गाय शुड एस इन योर आई बी एर लम्स और टॉप्स और फास्ट एग्जाम मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने एग्जाम में जाके एस करो देखो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है आई रियली वॉन्ट यू गाइस कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सको और मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस मुकाम वो होता है जब मैं जाता हूं आईबीए के अंदर जब मैं जाता हूँ एनडी के अंदर जब मुझे इन्वाइट किया जाता है एंड पर्सनली जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो बिलीव मी मेरे लिए सबसे बड़ा फखर का मुकाम होता है जब बच्चा आके मुझसे कहता है कि सर मैंने आपसे पढ़ा था और मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूँ डेट द रियल सक्सेस फॉर मी द रियल डेफिनेशन सक्सेस फॉर मी यार उस दिन आपको पता चलता है कि यार आपने बाकी इस कॉम के लिए कोई काम करे और उस कॉम के बच्चे उसको रियलाइज भी करते हैं उस कॉम के बच्चे उस जगह पर बैठे हुए

सपोज अगर फाइव और नेगेटिव थ्री को मैं लेके चलता हूँ देखो नेगेटिव थ्री इसका मतलब वाई की जगह पे आ गया और फाइव का स्क्वायर क्या होता है ट्वेंटी होता है माइनस का टेन इंटू फाइव क्या हो जाएगा टेन फाइव फाइव फिफ्टी और प्लस का ट्वेंटी तो भैया देखो अगर 25 प्लस अट्ठाइस में करता हूं तो ये बन जाएगा 50 छब्बीस फिफ्टी थ्री और 53 थ्री माइनस फिफ्टी तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए सैटिफाई कर रहा है मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि जब मैंने x की जगह पे 5 डाला इस इक्वेशन में और y की जगह पे आ, मैंने नेगेटिव 3 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर के बराबर आ गई कोई और भी चेक कर लेते हैं कोई मसले की बात नहीं है लेट सपोज मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफा क्या पता ऑप्शन नंबर सी भी सही हो तो भाई नेगेटिव थ्री कौन तो वाई की जगह पे फाइव आ गया और एक्स की जगह पे नेगेटिव थ्री आ रहा होगा तो नेगेटिव थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया थ्री नाइन क्या होता है थ्री जर हमारे पास होता है सिंपल तरीके से uh, 27 के बराबर, ओके? और का 3 है, तो, तो अच्छा फाइव हो? हो तो का तो मैंने वाई पे देखो वाई क्या है फाइव के बराबर है और एक्स थ्री के बराबर है तो एक्स अगर थ्री के बराबर थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया माइनस का थ्री टेनजार माइनस का थ्री टेन थर्टी

बेटा देखो डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन आ रहा है सबसे क्रुशल पार्ट होता है IBA के या किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी के एग्जाम का लम्स में सेट के अंदर टॉप्स के अंदर आपके पास के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एस स्कूल इकोनॉमिक्स के अंदर सीबीएम के अंदर देखो जिस बच्चे को भी डोमेन एंड रेंज में मसला होता है आई नो नाइनटी नाइन बच्चों को मसला होता है डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन के अंदर मैंने डोमेन एंड रेंज की अलग से पूरी प्ले बनाई थी थर्टी थर्टी मिनट्स की उसमें वीडियो थी चार या पांच और उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अगर आपको कोई इशू होता है डोमेन एंड रेंज के ऊपर आई कैन बेट बेटा आप उन वीडियो लेक्चर्स को लीजिएगा आपको तमाम कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अब देखो इस क्वेश्चन कुछ में एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास ऊपर आ रहा है

में पानी नहीं डाल सकते तो पानी नॉट डोमेन क्या हो जाएगा फेल हो जाएगी तुम्हारी बाइक सिमिलरली तुम्हारी बाइक की डोमेन जो है ना वो क्या है है पेट्रोल सिमिलरली डोमेन के मायने क्या होते हैं एक्चुअली के अंदर जो मैं तमाम वैल्यूज अपने फंक्शन में डाल सकता हूं अब देखो हमेशा सबसे पहले कभी भी अगर एक फंक्शन डि डिवीजन का फंक्शन आ रहा हो ना हमेशा सबसे पहले नीचे वाली टर्म को देखा करो इसकी डोमेन निकालना सबसे आसान होता है हमें मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर कब फंक्शन फेल हो जाता है अगर मैं डिवीजन के अंदर जीरो प्लॉट कर दूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा या फिर अगर अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू के ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो सकता है फेल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होता सॉल्व करना क्योंकि वो इमेजनरी टर्म बन जाती है फिर सही है ना तो कहने का मकसद क्या है कभी भी डिवीजन में फंक्शन आ रहा हूँ ना तो हमेशा देखा करो कि जीरो नहीं आना चाहिए तो जीरो

Negative one, negative one, two, नेगेटिव वन नेगेटिव इट विल बिकम नेगेटिव टू और बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का टू बन जाएगा इसका मतलब जीरो से पहले के नंबर्स जीरो से पुराने जीरो के पहले के डालने की इजाजत है अच्छा जीरो से अगर आगे जाता हूं मैं प्लस का वन डालता हूं देखो प्लस का वन में डालूंगा तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा। इसका मतलब डोमेन डोमेन मेरी फेल हो जाएगी नहीं आ सकती तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे डिनोमिनेटर की डोमेन क्या डिनोमिनेटर की डोमेन मेरे पास आ रही है एक्स की वो तमाम वैल्यूज होंगी जो जीरो से छोटी है जीरो इंक्लूड नहीं है जीरो से वो तमाम वैल्यू जो जीरो से छोटी है ना वो इंक्लूड की जा रही होंगी अच्छा एक और बड़ी मशहूर चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि बेटा इन ब्रैकेट्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए एक कहलाता है ओपन

फोर फोर सिक्सटीन भी सोलह होगा तो यानी कि देखो अगर मैं फोर भी डालूंगा ना तो ऊपर खाली जीरो बनेगा जीरो परफेक्ट नंबर है अलाउ है फाइव डाल के चेक करोगे परफेक्ट नंबर आएगा यानी कि फोर या फोर से बड़ा आप कोई भी नंबर डाल सकते हो ऊपर तो ऊपर के डोमेन क्या होगा यानी कि हमें देखो हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी थी जो वैल्यूज में इनपुट दे सकता हूँ तो वो तमाम वैल्यूज जो कि फोर या फोर से बड़ी होती है ऊपर की डोमेन आ गई तो अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे होते हैं कभी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप दोनों या चारों क्वेश्चन की या चारों फंक्शन की दोनों फंक्शन की आप अलग अलग डोमेन निकालते हो और लास्ट में यूनिटी करते हुए ऐड कर देते हो तो ऊपर वाले फंक्शन

फोलोइंग पॉइंट लाइ बिलो दी लाइन अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो मेरा बेटा दुनिया के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, है मैंने पढ़ाया भी होता है बेटा देखो कभी भी आपको कोई लाइन गेवे नो आप कोई सर्कल गेवे नो आपसे सर्कल के ऊपर ये पॉइंट कहां पे ला कर रहा है या तुम्हारी लाइन के ऊपर पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है ऊपर लाई कर रहा है नीचे लाए कर रहा है ऑन दी लाइन कर रहा है तो इसका तरीका क्या होता है आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना उस पॉइंट को उठा के इक्वेशन में डाल देना है अगर पॉइंट को इक्वेशन में डालने की

एग्जामिनर इसने यहाँ पे कहा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बिलो दी लाइन कह रहे बिलो दी लाइन पे कौन लाई कर रहा होगा तो मुझे इक्वेशन क्या गेवन है भाई मुझे इक्वेशन गेवेन है इस क्वेश्चन के अंदर uh, क्या इक्वेशन है गेवेट नाइन एक्स प्लस का वाई नाइन एक्स प्लस का वाई आगे माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो गेवन है तो भाई देखो x की वैल्यू मैंने सिंपल अपने पहले पॉइंट को उठाया x की वैल्यू 0.5 है y की वैल्यू 0 है तो y की जगह पे 0 यानी कि y पूरा 0 हो गया x की जगह पे 0.5 0.5 क्या होता है 0.5 कहते हैं 1 बाई टू को तो ये नीचे टू आ गया माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो नाइन बाई टू का मतलब क्या नाइन बाई टू फोर पॉइंट फाइव तो जाहिर सी बात है फोर पॉइंट फाइव में से अगर मैं सिक्स को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा न, फोर में से अगर छह जाता टू बचता मजीद पॉइंट फाइव निकाल दो तो, फाइव नेगेटिव का यानी कि देखो नेगेटिव में आंसर इसी पे मिल गया मुझे इसका मतलब क्या नेगेटिव का वन पॉइंट फाइव अगर मेरा आंसर है यानी कि देखो जब मैंने अपने एक्स और वाई के पॉइंट को डाक इक्वेशन में डाला तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है नेगेटिव में आई है तो वैल्यू कैसी आई है लेसर देन जीरो इसका मतलब यही पॉइंट जो है ना बिलो दी लाइन पे लाई कर रहा है आप अगली पे चेक कर लो अगर आपको कन्फर्म करना चाहते हो अगली पे चेक कर लो

डिवाइडेड बाई ए टू विलवर बी इक्वल टू बी वन डिवाइडेड बाई बी टू तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और अगर आपके पास इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, यानी कि इन्फाइट सॉल्यूशन है दुनिया में किसी भी ट्रम का तो उसकी कंडीशन होती है ए वन Divided by a2 is equal to डिवाइडेड बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन डिवाइडेड बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन डिड बाई b1 का मतलब क्या है पहली का आपके पास y कोफिशियंट और c1 यानी नॉर्मल पहली इक्वेशन का a2 क्या होती है कि अगर दुनिया में दो इक्वेशन के दरमियान कोई भी सोल्यूशन एक्सिस्ट नहीं करता

पास आ थ्री एक्स माइनस का KY equal to negative 18. कहता है ये दो equations आ रही है, K की value को find करो अगर इनके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता विल नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन क्या कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ केस द लाइंस नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर ना तमाम को एक कर दो तो, तो क्या बन गया ये हो जाएगा एक्स प्लस का टू वाय और माइनस का के इक्वल टू जीरो जाहिर सी बात है तुम्हारा ए वन क्या ये A1 है ये तुम्हारा ए वन है ये तुम्हारा बी वन है ये तुम्हारा सी वन है यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे भी तमाम वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट कर दो तो बेटा थ्री एक्स माइनस का के वाय प्लस का 18 हो जाएगा नेगेटिव का 18 जब यहां पर आएगा तुम्हारा ये टू है बेटा ये तुम्हारा बी टू है और ये तुम्हारा सी टू है बच्चा अब हमने करना क्या है हमसे है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है यूनिक सॉल्यूशन क्या है नहीं है कोई मसले की बात ही नहीं है कोई चिंता की बात ही नहीं है भाई हम क्या करेंगे भाई यानी कि यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हो सकता है इनफिनिटी सोल्यूशन हो सकता है नो सोल्यूशन हो कोई मसले की बात नहीं है मैं इनफिनिटी सोल्यशन को लेकर चलता हूँ फॉर एग्जाम्पल भाई अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हो सकता है हो या फिर नो सोल्यूशन हो तो मैं इसको लेकर चलता हूँ इस कंडीशन को मेरे पास कंडीशन क्या होती है इनटी सोल्यूशन की इनफिनिटी सोल्यूशन की होती है ए वन

इस तरीके से वो बेचारे दयानतदार आदमी है बेचारे जाहिर सी बात है माँ बाप की मोहब्बत सबके लिए जैसी होती है तो बेचारे जो बच्चा साहब है ना वो इस तरीके से लेके जाते हैं अपने आठ बच्चों को जू कि तीन बच्चों को एक दफा लेके जाते हैं और तीन बच्चों को एक दफा लेके जाते हैं वैसे सोचने की बात यह है कि आठ बच्चे घर पे हैं, तो जू तो घर पे आ सकता है जू घर पे ऑलरेडी मौजूद है सा है न खैर है कोई मसले की बात है हम क्वेश्चन समझेंगे भाई हम गैर सियासी कोई बात नहीं कर सकते अच्छा भाई तो क्या कहता है एग्जाम के भाई तीन बच्चों को एक टाइम पे जू लेके जाते हैं और फिर अगली दफा अगले दिन बच्चों को लेके जाते हैं सै है ना ताकि कोई बच्चा रिपीट ना हो जाए

आठ और वो बाप जो सेलेक्ट करता है बच्चों को एक साथ वो कितने करता है तीन करता है तो अगर मुझे ये तादाद निकालनी कि वो बाप खुद कितनी बार जूझ जाएगा तो भैया वो कैसे निकाली जाएगी बहुत सिंपल है अच्छा बाय द वे कभी भी दुनिया में सिलेक्शन का لفظ आ जाए ना तो सिलेक्शन रेप्लिकेट करता है कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन के मायने क्या होते हैं कॉम्बिनेशन के जो बच्चे आईबीए में अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ तो बेटा मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करे में खुदारा जाकर देख लेना दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए जो क्वेश्चन आप आज कर रहे हो मैं चार साल पहले के या तीन साल पहले के अपलोड करके करवाए हुए ये सारे क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता था भाई हर दफा ये आईबी के पेपर में आते हैं सही है बेटा अब देखो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है तो अगर मुझे उस फादर के जू जाने की तादाद को निकालना है तो मैं क्या करूंगा एट कम्बिनेशन थ्री कर दूंगा कंबिनेशन का फॉर्मुला ओपन करवा दीजिए क्या बन जाएगा ऊपर आ गया एट फैक्टोरियल नीचे

Terima अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज कैसे निकालेंगे नेक्स्ट चीज एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि अब इस बात को मैं निकाल के बताना है हाउ ऑफन विल द ईच चाइल्ड को इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि यार हमें इस बात को फाइंड आउट करना है कि भाई वो जो एक बाप है ना वो जो अपने तीन बच्चों को हफ्ते लेके जाता है उसकी कंडीशन है कंडीशन क्या है कि भाई उसकी कोशिश ये होती है उसके जो आठ बच्चे हैं ना उनमें से तीन एक संडे जाए तीन एक हफ्ते जाए अगले तीन अगली बार जाए उसके बाद बाकी तीन जाए यानी कि देखो उसकी कोशिश ये होती है कि रिपीटिशन ना हो रिपिटिशन ना हो तो हमें इस बात को फाइंड आउट करना है कि एक बच्चा जो होगा वो कितनी बार जा रहा होगा

ये तो हमने आंसर निकाल लिया कि इक्कीस टाइम एक बच्चा जाएगा अगर बहुत दफा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड नॉट नॉट गो गो अगर not go आ जाए ना तो आपने करना क्या है कि जो टोटल ट्रिप्स हुई है ना जू की फिफ्टी है और एक बच्चा जू कितनी बार जाएगा जाएगा टाइम तो फिफ्टी क्या आंसर आ जाएगा आई गेस ये आ जाएगा तुम्हारे पास पैंतीस uh, तो पैंतीस टाइम्स बेसिकली एक बच्चा जू नहीं जा सकेगा तो आप ये भी निकाल सकते हो ऑल्दो इस क्वेश्चन में मांगा मैं नहीं है बट कभी बार मांग लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया मैंने पूरा क्वेश्चन रिपीट भी कर दिया आई होप सारे बच्चों के

वाला होते हैं ना वहां पे हम n के r को लेकर आ जाते हैं कैसे के देखो ये मेरा इसका r है ये मेरा इस वाले कॉम्बिनेशन का r आ है तो मैं इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ n कॉम्बिनेशन r यानी कि n कॉम्बिनेशन 8 is equal to n कॉम्बिनेशन अब देखो इस 12 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा n का 12 क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को देखो ना हम बेसिकली इस फार्मूले के हिसाब से बात कर रहे हैं क्योंकि तो ये का बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि n r n कॉम्बिनेशन r इज ऑलवेज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n r अगर आप इसको सॉल्व भी करो ना इस पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे सेम वैल्यू बनेगी कैसे कि ऊपर n फैक्टोरियल आ जाएगा

कार्ड्स का मतलब क्या होता है फिफ्टी टू प्लेंग कार्ड्स होते हैं हम सबको बात मालूम है मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ताश के पत्तों में टोटल कार्ड्स कितने होते फिफ्टी टू होते हैं देखो कोई भी बात एग्जामिनर नहीं आपको बताएगा इसलिए प्रोबेबिलिटी अगर आप छोड़ रहे हो तो खुदारा छोड़ के मत जाओ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करें आपको इजिली बात सारी समझ में आ जाएगी सिर्फ लेक्चर के क्वेश्चन अगर मेरे कर लो आप एग्जाम में टॉप करके आ जाओगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर है ना फिफ्टी टू कार्ड होते हैं किसी भी डेक के अंदर

हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं चार टोटल किंग चार होते हैं ना तो भाई ऊपर सेलेक्टेड क्वांटिटी आती है तो देखो यानी कि किंग के, के, के बगैर वाला कार्ड ऊपर आना चाहिए अब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं मेरे पास 52 होते हैं और चार कार्ड्स किंग के होते हैं तो किंग को मैंने माइनस करवा दिया किंग आने नहीं चाहिए सेकंड कार्ड के अंदर तो कितने बचे ऊपर बचे 48 नीचे डिवीजन में क्या आएगा अब आप बोलोगे सर नीचे डिवीजन में टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो आ जाएंगे अरे नहीं मेरा बेटा मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या होता है जो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा फर्स्ट पे डिपेंड करती है तो देखो अगर मैं पहला कार्ड के अंदर एक कार्ड उस डेक में से

फाइव फोर वन सिक्स और फाइव फोर वन सिक्स थ्री नीचे थ्री आना चाहिए सब में ही आ रहा है माशाल्लाह ऊपर क्या है 48. तो डिवाइडी 48 थ्री

एक होता है हेड है टेल एक होता है हमारे पास हेड टेल हेड एक होता है हमारे पास हेड

आ जाएगा फोर आ जाएगा फोर डिवाइडेड बाय एट का मतलब क्या है वन डिवाइडेड बाय टू प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वन बाई टू यानी कि जीरो पॉइंट फाइव की प्रोबेबिलिटी मेरी आ रही होगी इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी के साथ मेरा मेरा बेटा फोर्टी फाइव के फोर्टी फाइव क्वेश्चन सॉल्व हो गए भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे ये सारे के सारे कौन से आई बी के ट्वेंटी के सारे जो क्वेश्चन थे वो एंड हो ये मैथ्स का मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया ये आई बी ए बी पेपर का लेक्चर नंबर वन था जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्व करवाया बाय द वे ये

इनफैक्ट मैं एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन के बारे में सुन रहा था कि चौबीस चौबीस हजार रुपए का तीतीस हजार रुपए का वो रिकॉर्डेड कोर्सेज का माशाल्लाह से बैच देते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज का तो भाई उससे बहुत बेहतर मैंने तमाम फ्री ऑफ कोर्स डाले में अगर आपको रिकॉर्डिटी ही पढ़ना है तो मैंने यूट्यूब पर पूरी प्लेट बनाई हुई है आईबीए की भी सेट की भी एलकेट की भी ज अजाउंट ऑफ कॉन्टेंट जो मैंने डाला फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप आराम से बैठकर तैयारी कर सकते हो प्लस जितने पास्ट पेपर हैं आजकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा हूँ प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर हमें आपसे लाइव पढ़ना हो तो मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हो बहुत ही मिनिमम सी फीस होती है अराउंड सिक्स थाउजेंड सेवन थाउंड रुपीजी में तमाम चीजों को कवर करवाया रहा हूँ और कंप्लीट कोर्स की वो फीस होती है सैन है ना, तो आपको भी ज्वाइन अप कर सकते हो मगर अगे मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला मेरी प्ले लिस्ट के बाद सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेबल है यू कैन जस्ट गो एंड आई बी ए प्लेट बाईम आ जाएगी एलकट प्ले लिस्ट आ जाएगी सैट प्ले लिस्ट आ जाएगी ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू गाइस सही है मेरा प्यारा बेटा तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूँगा सुमद के साथ कि आप जाएं जैसे खरीद सुनो मुझे बहुत सारी दुआ याद रखिएगा जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच हाशिम ऑफ